हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड. तो बेटा, हम काफ़ी स्पीड से सारे चैप्टर्स खत्म कर रहे हैं. बिल्कुल टेंशन मत लेना, पूरा सिलेबस सारे चैप्टर्स एकदम टाइम से आपके पास कंप्लीट हो जाएंगे. ट्वेल्थ हम कर ही चुके हैं, इलेवेंथ के भी हम तीन चैप्टर्स कर चुके हैं. प्लांट किंगडम तक हमने चीट कोड से, चीट शीट से रिवाइज कर लिया था. आज हम चैप्टर फोर्थ कर रहे हैं आपकी फर्स्ट यूनिट का. इलेवेंथ क्लास में हम एनिमल किंगडम आज कर रहे हैं बेटा. चीट शीट्स आप लोग जो स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं वो तो जानते ही हैं, जो नहीं जानते बेटा, ये आपकी एनसीईआरटी की एक एक लाइन से बने हुए वो क्वेश्चन है जो आपकी आंखों ने शायद थ्योरी रीड करते वक्त मिस कर दिया होगा, बट क्वेश्चन की नज़रों से वो चीज़ नहीं हटेगी, नहीं छूट पाएगी और आपको बहुत अच्छे से एनसीईआरटी यहाँ पर रिवाइज हो जाएगी, है ना. तो काफ़ी काफ़ी रटने वाला चैप्टर एनिमल किंगडम आपके पास है. बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऑलरेडी इसके अंदर याद करने वाले होते हैं. कौन सा पर्टिकुलर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन किस किस फाइलम में मिलता है, जिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास बनते हैं. तो एनिमल किंगडम आज हम फाइनली करेंगे, देख लेंगे कितनी एनसीईआरटी की लाइंस हमको याद हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस एनसीईआरटी की लाइन से बन सकते हैं और कितना और हमको याद करने की जरूरत है ना. तो फटाफट से आ जाओ, एनिमल किंगडम बच्चे कंप्लीट कर लेंगे हम लोग. पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला जो टॉपिक है आपके पास वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ही. एक एक करके सारे टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट करेंगे, है ना. तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पहला क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, विच ऑफ द Following is a basic feature. Which of the following is a basic feature of all organisms of Animalia? हर organism में होना चाहिए, ठीक है. Generally आपको हर organism में multicellular structure देखने को मिलेगा, बिल्कुल NCERT लिखती है. Sensory and neuromotor system पूरा, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और लोकोमोशन. देखो, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हर एनिमल में नहीं होता, बहुत सारे एनिमल एक्वाटिक होते हैं, आपको पता है. जहाँ तक बात आई लोकोमोशन की, पॉरीफेरा आपका सिसाइल है, सिलेंट्रेटा की पॉलिप फॉर्म आपकी सिसाइल है. तो लोकोमोशन भी हर एनिमल में नहीं है, हालांकि बेसिकली फीचर होना चाहिए. पर मैं क्या ऑल ऑर्गेनिजम्स में बोल सकती हूँ? नहीं बोल सकती हूँ, तो इसको भी मुझे कट करना होगा. सेंसरी सिस्टम तो बेटा आपके प्लैटीहेल्मिंथेस से प्रॉपरली डेवलप हुआ था, उसमें भी कुछ न्यूरल सेल्स आए थे, प्रिमिटिव सेंसरी सिस्टम था. तो पूरा डेवलप सेंसरी न्यूरोमोटर सिस्टम सिमिलर टाइप का और प्रेजेंट होना भी हर एक ऑर्गेनिज्म में नहीं होता, है ना. तो ये भी हर ऑर्गेनिज्म में नहीं है, तो आंसर हो जाएगा मल्टीसेल्युलर. ये बात हमें पक्का पक्का से पता है कि सब मल्टीसेल्युलर है, यूनिसेल्युलर कोई नहीं है. तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है. आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर सेकंड, इनमें से कौन सा टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लैक करता है, मतलब किसके अंदर टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं प्रेजेंट है. तो बेटा जो डिवीजन है ना वो कुछ इस तरीके से होता है, जो आपके पास मेटाजो है. अब ये डिवीजन आपने एनसीईआरटी में नहीं देखा होगा, मैं आपको डिवीजन बता देती हूँ, ठीक है. जो आपके पास मेटाजोआ है उसको आप दो में डिवाइड करते हो, एक आपके पास पैराजोआ आते हैं, एक आपके पास यू मेटाजोआ आते हैं, ठीक है. एक आपके पास पैराजोआ आते हैं, एक आपके पास यू मेटाजोआ आते हैं. ये जो पैराजोआ है इसमें आपके पास पोरीफेरा आते हैं, ये जो पैराजोआ है इसमें आपके पास पोरीफेरा आते हैं. बाकी सब यानी सिलेंट्रेट से लेकर कोर्डेट्स तक यू मेटाजोआ में आते हैं, ठीक है. तो अभी अगर आपसे क्या पूछ रहे हैं, मेटाजोआ भी है ऑप्शन में, यू मेटाजोआ भी है ऑप्शन में, पैराजोआ भी है ऑप्शन में, डिवीजन हमको समझ में आ गया. आपसे पूछ रहे हैं टिश्यू ग्रेड नहीं है, टिश्यू ग्रेड नहीं है यानी सेल्यूलर लेवल है. सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको पैराजोआ या पोरीफेरा में देखने को मिलता है. तो किस में टिश्यू नहीं है, पैराजोआ में नहीं है. क्यों? क्योंकि हमें पता है उसके अंदर कौन सा लेवल देखने को मिलता है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है. तो आंसर क्या हो जाएगा, सी. आंसर क्या हो जाएगा, सी. आगे देखो बेटा क्वेश्चन नंबर थ्री क्या कह रहे हैं. क्वेश्चन नंबर थ्री, मैच द फॉलोइंग आ रहा है आपके पास. अच्छा, आपको पता है सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको पॉरीफेरा में देखने को मिलता है, एग्जाम्पल आपके पास स्पॉन्जिला आ रहा है. टिश्यू लेवल आपको सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में देखने को मिलता है, तो सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल ओबीलिया आपके पास आ रहा है ना. ऑर्गन लेवल आपको प्लैटीहेल्मिंथेस में देखने को मिलता है, जिसका एग्जाम्पल फेजियोला आपके पास आ रहा है, लिवर फ्यूब. ऑर्गन सिस्टम एस्केल्मेंथेस से शुरू होता है, तो उसका एक एग्जाम्पल फेरिटीमा अर्थवर्म आ रहा है, जो एनेलिडा को बिलोंग करता है. तो बता दो बेटा आंसर, 2, 3, 4, 1. अब 2, 3, 4, 1 आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी. आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी. आगे देखो क्वेश्चन नंबर फोर, आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बताना है. टीनोफोरा और प्लैटीहेल्मिंथेस के अंदर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, प्लैटीहेल्मिंथेस तक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, ब्लाइंड सैक है. एस्केल्मेंथेस से कोर्डेट तक ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है और कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की है. सिलेंट्रेट्स और एस्केल्मेंथेस के पास ऑर्गन सिस्टम लेवल है, नहीं. आप जानते हो सिलेंट्रेट के पास कौन सा लेवल होता है, टिश्यू. कौन सा लेवल होता है, टिश्यू. प्लैटीहेल्मिंथेस के पास कौन सा होता है, ऑर्गन. एस्केल्मेंथेस के बाद शुरू होता है ऑर्गन सिस्टम. पोरीफेरन कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, बिल्कुल भी नहीं. प्लैटीहेल्मिंथेस तक डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं होता. तो करेक्ट आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी.
करेक्ट, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5, क्या कह रहा है क्वेश्चन 5 हमको, द एंट्री ऑफ फूड एंड एग्जिट ऑफ वेस्ट टेक प्लेस फ्रॉम सेपरेट ओपनिंग्स। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम ना दो तरीके के हैं, या इनकम्प्लीट है या फिर कंप्लीट है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा वो डाइजेस्टिव सिस्टम होते हैं जिसमें एक ही ओपनिंग माउथ की तरह भी बिहेव कर रही है एंड एनस की तरह भी बिहेव कर रही है। लेकिन कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसमें एंट्री ऑफ फूड यानी जो माउथ की तरह बिहेव करेगा और एग्जिट ऑफ वेस्ट यानी कि जो एनस की तरह बिहेव करेगा, वो दो अलग अलग ओपनिंग है, उन्हें बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो अगर दो अलग अलग ओपनिंग है तो क्या इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा? नहीं है ना, तो इनकम्प्लीट है, यानी कि हम किसकी बात करें, यहां पर हम किसकी बात करें, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, है ना। तो क्या सिलेंट्रेट, टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथेस हो सकते हैं? नहीं, इनमें तो इनकम्प्लीट होता है। तो क्या ये वो ऑर्गेनिज्म है जिनमें कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होगा? जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। ऑर्गेनिजम्स में सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा? नहीं, सेल्युलर लेवल पोरीफेरा में होता है और पोरीफेरा में कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखने को नहीं मिलता बच्चे। तो आंसर क्या होगा आपके पास? सी। आंसर क्या होगा आपके पास? सी। ठीक है, आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं। इनकरेक्ट, इनकरेक्ट को सर्कल करो, आपको इनकरेक्ट बताना है यहाँ पे। सम डिवीजन ऑफ लेबर अकर अमंग द सेल्स इन मेंबर्स ऑफ फाइलम पोरीफेरा। पोरीफेरा में सेल्स के बीच में डिवीजन ऑफ लेबर होता है, सही बात है, क्योंकि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। अच्छा, डिवीजन ऑफ लेबर इज कंप्लीटली एब्सेंट अमंग सेल्स इन पोरीफेरेंस, ऐसा नहीं है बेटा। मान लिया सेलुलर लेवल है पर सेल्स के बीच में ही डिवीजन ऑफ लेबर होगा, एब्सेंट नहीं है, एब्सेंट नहीं है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको ट्यूनिकेट्स में मिलता है, हेमिकोडेटा में मिलता है एंड नॉन सिफेलोपोड मोलस्क में मिलता है। देखो ट्यूनिकेटा यानी यूरोकोडेटा, यूरोकोडेटा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, हेमिकोडेटा में है, सिफेलोपोड मोलस्क में नहीं होता, लेकिन नॉन सिफेलोपोड मोलस्क में है, ये बात भी सही है। ठीक है, तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7, आपको क्या बताना है? आपको फिर से इनकरेक्ट बताना है, सर्कल करेंगे ताकि हम गलती ना करें। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो होता है जिसमें दो अलग अलग ओपनिंग हो माउथ एंड एनस के लिए, जी हाँ। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम वो होता है जिसमें सिंगल ओपनिंग होती है, जी हाँ। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जिसमें ब्लड ट्यूब्स के थ्रू जाता है, गलत, कोई ट्यूब नहीं होती, कोई ब्लड वेसल नहीं होती, डायरेक्टली हीमोसील के अंदर जो है, जो भी हीमोलिम्फ है, जो भी ब्लड है, वो सेल्स और टिश्यूज उसमें सीधा सीधा बेद करें, कोई अलग से ट्यूब वेसल आपके पास नहीं है। ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल है इसीलिए आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज प्रेजेंट है। तो बच्चे इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। याद रखना ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नॉन कोडेट्स में मिलता है बस। ठीक है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम एनेलिड में मिलेगा, एक्सेप्शन है वो नॉन कोर्डेट्स में, सिफेलोपोड मोलस्क में मिलेगा, एक्सेप्शन है वो नॉन कोर्डेट में, और सारे कोर्डेट्स में आपको क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलेगा। कोर्डेट्स का एक्सेप्शन है यूरोकोर्डेट, मैं लिखवा देती हूँ इनको बेटा, ये कुछ चीज़ें जो आपको आना चाहिए। दो तरीके का सर्कुलेटरी सिस्टम, एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो है जो जनरली आपको नॉन कोर्डेट्स में देखने को मिलता है, जो जनरली आपको नॉन कोडेट्स में देखने को मिलता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वो है जो जनरली आपको कोडेट्स में देखने को मिलता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको आपको यूरोकोडेटा में देखने को मिलेगा। ये सब फाइलम है कोडेट्स की, लेकिन यूरोकोडेटा में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है। एनेलिड नॉन कोडेट होने के बावजूद क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाता है और सिफेलोपोड मोलस्क भी। तो ये दो एक्सेप्शन हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि अगर आप इनको भूल गए तो दिक्कत हो जाएगी, यहीं से डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पास आता है। आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 8, सिमेट्री दिखाई हुई आपको दोनों डायग्राम एनसीईआरटी में, ये कौन सी सिमेट्री है मुझे बता दो, कि सेंटर से पास होने वाला कोई भी प्लेन इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है, रेडियल सिमेट्री। ये कौन सी सिमेट्री है मुझे बताओ, बाइलेटरल सिमेट्री बेटा, कि सेंटर से पास होने वाला एक ही प्लेन है जिसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकता है। तो ए आपके पास रेडियल है, बी आपके पास बाइलेटरल है, आंसर क्या हो जाएगा? ए। आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9, देखो जरा डायग्राम दे रखा है, एक आपको डिप्लोब्लास्टिक, दूसरा आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक बताया, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ठीक है, अच्छा, सिमेट्री और सिलोम को, सिमेट्री और जर्म लेयर को मैच किया हुआ है। मुझे बताओ जरा डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर किस किस में देखने को मिलती है आपको? सिलेंट्रेट और टीनोफोरा में, आपने यही एग्जाम्पल याद किए होंगे, सिलेंट्रेट और टीनोफोरा में। ठीक है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है वो आपको शुरू होती है प्लेटीहेलमिंथेस से और फिर एंड में कोडेट तक आपको यही जर्म लेयर देखने को मिलती है।
लेकिन ऑप्शन किस पे है? सिमेट्री पे. अब मुझे सिमेट्री बता दो तो स्टिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में बेटा रेडियल सिमेट्री होती है. तो अपने आप डिप्लोब्लास्टिक के पास कौन सी सिमेट्री हो जाएगी? रेडियल. तो ये बाइलेटरल वाले ऑप्शन कट कर दो, है ना, आपके पास क्या बचा? रेडियल. अब अगर मैं बात करूं ट्रिप्लोब्लास्टिक की, तो प्लेटीहेलमिंथिस के बाद से जनरली आपको कौन सी सिमेट्री देखने को मिलती है बेटा? बाइलेटरल. लेकिन इकाइनोडर्मेटा में आपको देखने को मिलती है पेंटामेरस रेडियल. अब ऑप्शन या तो ये सही हो सकता है या ये सही हो सकता है. तो जनरली तो आपको यही मिलती है, सिर्फ इकाइनोडर्मेटा में ये मिलती है. तो हम करेक्ट इसी को कहेंगे, हम करेक्ट इसको कहेंगे. ये गलत नहीं है, लेकिन ये सिर्फ इकाइनोडर्मेटा पे एप्लीकेबल होगा, है ना. तो आंसर ए हो जाएगा. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमको. क्वेश्चन नंबर 10, चूज द ट्रू स्टेटमेंट. ठीक है, अच्छा देखो, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, एस्किलमेंथिस, मोलस्का, हेमीकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, सब में बायलेटरल सिमेट्री है. सब में बायलेटरल सिमेट्री है, रेडियल सिलेंट्रेटा टीनोफोरा तक थी. ज्यादातर एनिमल्स में बायलेटरल सिमेट्री होती है, ये बात भी बिल्कुल सही है. अच्छा, प्लेटीहेलमिंथिस पहली फाइलम थी जिसने बायलेटरल सिमेट्री दिखाई थी, ये बात भी सही है. सिलेंट्रेटा टीनोफोरा तक रेडियल थी, प्लेटीहेलमिंथिस में पहली बार बायलेटरल आई थी. आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा. आगे देखो 11th, आपके पास डायग्राम एक दे रखा है. यहाँ पे आपको तीन तरीके की सिलोम दिखाई हुई है. अब मुझे बताओ यहाँ पे ए जो है आपके पास वो ट्रू सिलोमेट कंडीशन है, यू सिलोमेट कंडीशन है. बी जो आपको दिख रहा है जिसमें मीजोडर्म पाउचस के फॉर्म में है, वो शूडो सिलोमेट कंडीशन है, वो शूडो सिलोमेट कंडीशन है. और जो सी आपको दिख रहा है उसमें कोई सिलोम नहीं है, वो ए सिलोमेट कंडीशन है. यही है. अब आपको ऑप्शंस मैच करने हैं एग्जांपल से. तो ये क्या कह रहे हैं कि ए जो है वो मोलस्का है, यानी कि ट्रू सिलोमेट. ट्रू सिलोमेट कंडीशन आपको मोलस्क में देखने को मिल जाएगी, मिल जाएगी. आपको एनालिडा में देखने को मिल जाएगी, मिल जाएगी. आपको सिलेंट्रेट में देखने को मिलेगी यू सिलोमेट कंडीशन, नहीं, ए सिलोमेट होती है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता. मोलस्का में देखने को मिल जाएगी, मिल जाएगी. अब बी देखो, बी क्या है आपके पास? शूडो सिलोमेट. बेटा शूडो सिलोमेट तो पक्की पक्की सी चीज़ है, सिर्फ एक ही फाइलम में मिलती है, एस्केलमेंथिस, और कोई फाइलम है ही नहीं जिसमें आपको शूडो सिलोमेट कंडीशन मिल सकती है. तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ एस्केलमेंथिस में देखने को मिलेगी, है ना. तो अब यहाँ पर कॉर्डेट में शूडो सिलोमेट नहीं है, पोरीफेरा में शूडो सिलोमेट नहीं है, प्लेटीहेलमिंथिस में नहीं है, पोरीफेरा में नहीं है. उस हिसाब से तो आंसर हमारे पास है नहीं. तो या तो हम ऑप्शन इसको ई बना लें, या फिर हम ये देख लें कि वो सी की बात कर रहे हैं. तो वैसे सी के अंदर तो ट्रू, सी के अंदर ए सिलोमेट कंडीशन आपको दिखाई हुई है, और ए सिलोमेट कंडीशन के अकॉर्डिंग फिर आप पोरीफेरा आंसर कर सकते हो. वो भी दो ऑप्शंस में दे रखा है, वो भी दो ऑप्शंस में दे रखा है. तो बेटा यहाँ पर ना ऐसा करो, एक ई ऑप्शन बनाते हैं हम लोग, ठीक है, कि क्या है? ए आप मोलस्क ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, है ना. और बी को आप एस्केलमेंथिस लो, निमेटोडा लो, एस्केलमेंथिस लो, क्योंकि ये क्या है? शूडो सिलोमेट, और वो एक ही फाइलम में मिलता है एस्केलमेंथिस, उसके सिवा कहीं नहीं देखने को मिलता. और ये आपका आंसर हो जाएगा फिर, ये आपका आंसर हो जाएगा फिर, ठीक है. ये चीज क्लियर हो गई, ये चीज क्लियर हो गई. आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 12 हमें इनमें से कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है, गलत है, ठीक है. सिलेंट्रेट टीनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक है, जी हाँ है. एनिमल्स फ्रॉम प्लेटीहेलमिंथिस टू कॉर्डेट सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सब ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. रेडियली सिमेट्रिक एनिमल्स रिमेन अटैच टू सरफेस बाय देयर अबोरल सरफेस, ठीक है. अबोरल सरफेस क्या हो गया? टॉर्सल साइड की बात होती है. ओरल सरफेस हो गया जहां माउथ प्रेजेंट है, ठीक है. अच्छा, तो कह रहे हैं जो रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स हैं वो अपने सरफेस से, वो सरफेस से अपने अबोरल सरफेस से जुड़े होते हैं. ओके, मीजोग्लिया अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर है जो कोई भी टिश्यू या ऑर्गन नहीं बनाती, बिल्कुल अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर ऑफ मास है, उसमें सेल टिश्यू ऑर्गन कुछ नहीं है. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, यही आपके पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि वो अबोरल सरफेस से ही, अपने अबोरल सरफेस से ही सरफेस से अटैच्ड होते हैं, ऐसा हमने नहीं देखा है, है ना, है ना, बेस से अटैच्ड हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि अबोरल सर्फेस से अटैच हो रहा है, ठीक है. आगे देखो क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्या कह रहे हैं. क्वेश्चन 13 हमें इनकरेक्ट मैच आपको बताना है. ओके, ट्यूब विद इन ट्यूब, बेटा ट्यूब विद इन ट्यूब आप कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए यूज करते हो. देखो इसको लिख लो अगर आपको नहीं पता. अगर आपसे बोला जाए ब्लाइंड सैक तरीके का डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो रही है. अगर कोई आपको बोले ट्यूब विद इन ट्यूब, यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो रही है. अगर कोई आपको बोले ट्यूब विद इन ट्यूब, यानी कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो रही है, ठीक है, तो इसको प्लीज याद रखना, इसको प्लीज याद रखना, ठीक है. अब ट्यूब विद इन ट्यूब बोला यानी कंप्लीट की बात हो रही है. अच्छा, तो ट्यूब विद इन ट्यूब आपको कहाँ देखने को मिलता है? निमेट हेलमिंथिस में, क्योंकि प्लेटी हेलमिंथिस के बाद कंप्लीट हो जाता है. तो निमेट हेलमिंथिस में, एनेलिड में, आर्थ्रोपोड में, मोलस्क में, इकाइनोडर्मेटा में, कॉर्डेटा में, बिल्कुल सही बात है. सेल एग्रीगेट, सेल एग्रीगेट मतलब देखो बेटा,
इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी एक्चुअली सिलेंट्रेट और टीनोफोरा में होता है. पोरीफेरा में सेल एग्रीगेशन नहीं है क्योंकि उसमें तो टिश्यू लेवल ही नहीं आया ना, उसमें तो सेल्युलर लेवल ही चल रहा है. तो सेल्युलर एग्रीगेट या सेल एग्रीगेट क्या आपको कभी सिलेंट्रेट में देखने को मिलेगा? नहीं. किसमें देखने को मिलेगा? पोरीफेरा में देखने को मिलेगा. ठीक है, ब्लाइंड सैक यानी इनकम्प्लीट, वो आपको प्लेटीहेलमिंथेस में भी देखने को मिलेगा, वो आपको सिलेंट्रेट में भी देखने को मिलेगा. सही बात है. तो इनकरेक्ट आपके पास बी हो जाएगा. क्यों? क्योंकि जो सेल एग्रीगेट है वो हमें सिलेंट्रेट में नहीं, वो हमें पोरीफेरा में देखने को मिलता है. वो हमें सिलेंट्रेट में नहीं, वो हमें पोरीफेरा में देखने को मिलता है. ठीक है, ये हो गया. आगे देखो फटाफट से क्वेश्चन नंबर 14. अच्छा, इनमें से कौन सा सिलोम का फंक्शन है? सिलोम क्या है? गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में जो स्पेस होता है, जो कैविटी होती है, उसको सिलोम बोलते हो. और उसको तभी आप ट्रू सिलोम बोलते हो अगर वो मीजोडर्मली लाइंड हो, उसको आप ट्रू सिलोम बोलते हो. ठीक है, अच्छा, क्या सिलोम का काम है? शॉक एब्जॉर्ब करना और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन देना. बिल्कुल, सिलोम बहुत से ऑर्गेनिजम्स को हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन देने का काम करता है, शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करता है. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. सपोर्ट शॉक और प्रोवाइड हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन. देखो बेटा, या तो एब्जॉर्ब शॉक करेगा या सपोर्ट शॉक करेगा. सपोर्ट एनिमल इन शॉक लिखते तो ज़्यादा ठीक होता. शॉक को सपोर्ट नहीं कर रहा, एनिमल को शॉक के टाइम में सपोर्ट कर रहा है, शॉक को एब्जॉर्ब करके. तो देखा जाए तो स्टेटमेंट गलत है. क्या सिलोम मसल्स को इंडिपेंडेंटली ग्रो करने में मदद करता है? बिल्कुल करता है. वाटर बियर इसका एग्जाम्पल भी दिया जाता है. स्पेस देता है ना, बॉडी वॉल के इंडिपेंडेंट ग्रोथ करने का स्पेस देता है. तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ये स्टेटमेंट भी ठीक है. तो अब क्या करें? ऑल ऑफ दीज दे नहीं सकते क्योंकि ये गलत है. तो इसमें मल्टीपल करेक्ट ले लो कि ए भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है. इंडिपेंडेंट ऑफ बॉडी वॉल ग्रोथ में भी मदद कर रहा है. वैसे जो मेजर फंक्शन है ना, वो एब्जॉर्ब शॉक और प्रोवाइड. अगर यहाँ पर अगर आपको मोस्ट करेक्ट देना होता ना तो आप ए देते बेटा. मोस्ट करेक्ट अगर आपको देना होता तो आप यही देते. यही मेजर फंक्शन होता है सिलोम का, कि वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं और हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन देते हैं. ठीक है, तो मोस्ट करेक्ट यही आता है, मोस्ट करेक्ट ये आता है. स्टेटमेंट ये भी करेक्ट है. ठीक है, आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपको. एक जगह आपको डिप्लोब्लास्टिक दे दिया, एक जगह आपको ट्रिप्लोब्लास्टिक दे दिया, और करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है. तो एक एक एग्जाम्पल आपको बताना है. डिप्लोब्लास्टिक यानी सीसी, सीसी यानी सिलेंट्रेट और टीनोफोरा. तो सिलेंट्रेट ए के ऑप्शन में दे रखा है, तो आंसर आपके पास सीधा सीधा यही हो जाएगा. और ट्रिप्लोब्लास्टिक में आपके पास प्लेटीहेलमिंथेस आ जाएगा. आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 16 इनकरेक्ट. सर्कल करो ताकि गलती ना हो जाए. ट्रू सिलोम इज अ बॉडी कैविटी विच अराइज एज अ कैविटी इन द एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म. है ना, क्योंकि जहां पर मीजोडर्म, एक्टोडर्म को नहीं छेड़ा जाता, एंडोडर्म को नहीं छेड़ा जाता, बीच में जो मीजोडर्म है वहां पर कैविटी आती है, मान सकते हैं बात. ठीक है, डाइजेस्टिव कैविटी यानी गट, गट का जो स्पेस है, ठीक है, वो आपको ए सिलोमेट, श्यूडो सिलोमेट और सिलोमेट सब में मिलता है. बिल्कुल सही बात है बेटा, आप गट का स्पेस थोड़ी खराब कर रहे हो. अब देखो यहाँ पर कहीं सिलोम बना है तो मैं आपको दिखाती हूँ. ये देखो, ये होता है गट का स्पेस, है ना, तो आप इसको तो नहीं छेड़ रहे हो. अगर सिलोम है या नहीं है, सिलोम है या नहीं है, कहाँ गया ये रहा. सिलोम है या नहीं है, आप देखोगे इस गट वॉल और बॉडी वॉल के बीच में, है ना. लेकिन आप ये स्पेस देखो, हर किसी में प्रेजेंट है. आप चाहे ट्रू सिलोमेट ले लो, आप श्यूडो सिलोमेट ले लो, आप ए सिलोमेट ले लो, सब में गट वाला स्पेस तो होता ही होता है. तो ये तीनों में प्रेजेंट है. ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट आपके पास बिल्कुल सही है. कहाँ थे हम? यहाँ थे हम. ठीक है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. जो बॉडी कैविटी होती है आर्थ्रोपोड्स में और नॉन सिफेलोपोड मोलस्क में, उसे हीमोसील कहते हैं. सही बात है, उनमें हीमोलिम्फ होता है, उसे हीमोसील कहते हैं. अच्छा, देर इज नो कैविटी बिटवीन बॉडी वॉल एंड गट वॉल इन इकाइनोडर्मेटा. ये गलत हो जाएगा बेटा. इकाइनोडर्मेटा में कैविटी है. ट्रू सिलोमेट, यू सिलोमेट कंडीशन है इसके अंदर इकाइनोडर्मेटा में. ठीक है, एंटीरो सिलोम, यू सिलोमेट कंडीशन है. ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. आंसर हो जाएगा डी. बहुत बढ़िया बच्चों. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं. मेटामेरिज्म किस किस में प्रेजेंट है? याद रखना, मेटामेरिज्म मतलब इक्वल सेगमेंटेशन मिलना. उस पैटर्न को सेगमेंटेशन कहते हैं. इस फिनोमिना को मेटामेरिज्म कहते हैं. मेटामेरिज्म एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कोर्डेटा तीनों में होता है. पूरी एनिमल किंगडम की तीन ही फाइलम है जो मेटामेरिज्म शो करती हैं. एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का तीनों की तीनों शो करती हैं. आंसर ऑल ऑफ दीज जाएगा. ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18 इनकरेक्ट करना है. सर्कल करो. सिलेंट्रेट में रेडियल सिमेट्री, जी हाँ. मोलस्क में एडल्ट में रेडियल सिमेट्री, गलत. इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट में, मोलस्क के एडल्ट में नहीं, इकाइनोडर्मेटा के एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है. प्लेटीहेलमिंथेस ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, जी हाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है. टीनोफोरा ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, जी नहीं, सिलेंट्रेट और टीनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक होते हैं. तो मल्टीपल आंसर्स करेक्ट हैं बी, बी और डी बी. अब यहाँ तो बिल्कुल फैक्चुअल स्टेटमेंट है, इसमें आप मोस्ट करेक्ट भी क्या लोगे? दोनों ही इनकरेक्ट है. मोलस्क एडल्ट रेडियल सिमेट्री शो नहीं करते, टीनोफोरा में ट्रिप्लोब्लास्टिक कंडीशन होती नहीं. मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट. बोथ जाएगा, बोथ बी एंड सी, बोथ बेटा. आगे देखो 19
डायग्राम है आपके पास, ये एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम आपको दे रखा है. अच्छा क्या बता रखे हैं हमें, एनिमल किंगडम, सेल्यूलर लेवल, ए सिमेट्रिकल, ए सिलोमेट, कौन सा फाइलम, पोरीफेरा. टिश्यू लेवल, लेकिन ए सिलोमेट है ना टिश्यू लेवल, और कौन सी सिमेट्री है, रेडियल सिमेट्री. नीचे देखो बाइलेटरल सिमेट्री लिखा हुआ है, यहाँ रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री ए सिलोमेट आपको मिलता है सीसी में, एक सिलेंट्रेट में, दूसरे टीनोफोरा में, दूसरे टीनोफोरा में. जो ये बाइलेटरल सिमेट्री है, ये बाइलेटरल सिमेट्री में फोल्स सिलोम शूडो सिलोम हो सकता है, ट्रू सिलोम सिलोमेट हो सकता है, और प्लेटीहेलमेंथिस की तरह ए सिलोमेट कंडीशन भी हो सकती है, उसमें सिलोम नहीं होता. अब आंसर्स देख लो फटाफट से. ए आपके पास क्या है, रेडियल, रेडियल यानी ये और ये ऑप्शन, इन दोनों को कट कर दो. बी क्या है, पोरीफेरा, बी क्या है, पोरीफेरा, तो ये नहीं होगा, आंसर बी हो जाएगा सीधा. और वैसे भी सी आपके पास क्या है, टीनोफोरा, डी आपके पास है ए सिलोमेट, तो बिल्कुल यही आंसर हमने लिखा था और यही आंसर है. आगे देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 20, देखो डायरेक्ट एनसीईआरटी का चार्ट था है ना. आगे देखो फिर से आपको इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट बताते हैं यहाँ पे. नोटोकोट एक्टोडर्मली डिराइव्ड है, जी नहीं, मीजोडर्मली डिराइव्ड है. नोटोकोड मीजोडर्मली डिराइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर है. नोटोकोड इज फॉर्म्ड ऑन द डोर्सल साइड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. नोटोकोड डोर्सल साइड पे बनती है, जी हाँ. एनिमल्स पोरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा, किसी के पास भी नोटोकोड नहीं होती, एवरीबडी इज विदाउट नोटोकोड, जी हाँ, इसीलिए इन्हें नॉन कोडेट्स कहते हैं. कुछ कोडेट्स में नोटोकॉर्ड रिप्लेस हो जाती है बाय वर्टिब्रल कॉलम, और इन कोडेट्स को आप बोलते हो वर्टिब्रेट्स. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, तो इनकरेक्ट वन ओनली आ जाएगा बेटा, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है जो इनकरेक्ट है, पहली वाली. ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 21, करेक्ट लेबल आपको बताना है. अच्छा यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है नोटोकॉर्ड के बारे में, यहाँ पर लिखा है नर्व कॉर्ड के बारे में. नोटोकॉर्ड के बारे में, नर्व कॉर्ड नर्वस सिस्टम का पार्ट है. नोटोकॉर्ड बता दो, ए ऑप्शन बता दो, एक्सोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन है, एंडोस्केलेटन है. नोटोकॉर्ड एंडोस्केलेटन है, इंटरनली प्रेजेंट स्ट्रक्चर है, एंडोस्केलेटन है. ठीक है, एक्सोस्केलेटन नहीं है, एंडोस्केलेटन है. तो आपके एक्सोस्केलेटन वाले ऑप्शन तो सीधा सीधा कट कर दो, ये एंडोस्केलेटन होता है. नोटोकॉर्ड कॉर्डेट में मिलता है, नर्व कॉर्ड कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट्स दोनों में मिलती है. नोटोकॉर्ड डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होता है, नर्व कॉर्ड बताओ बेटा. नॉन कॉर्डेट्स के लिए नर्व कॉर्ड वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होती है, हम कॉर्डेट्स के लिए नर्व कॉर्ड डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होती है, ये डिफरेंस याद रखना. नोटोकॉर्ड का जो डिफरेंस है नॉन कॉर्डेट्स के लिए और कॉर्डेट्स के लिए, ठीक है. नॉन कोडेट्स के लिए आपको पता है जो नर्व कॉर्ड आपके पास प्रेजेंट होती है वो वेंट्रल है, वो सॉलिड है और वो डबल है. ठीक है, कोडेट्स के पास डोर्सल है, होलो है और सिंगल है. ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से. तो अब देख लो जरा, नर्व कॉर्ड वेंट्रल इन कॉर्डेट्स एज वेल एज इन नॉन कॉर्डेट्स, गलत हो जाएगा. वेंट्रल डोर्सल इन कॉर्डेट्स, वेंट्रल इन नॉन कॉर्डेट्स, ये सही हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा. ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहे. क्वेश्चन, द ट्रू सिलोम अपीयर्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूरिंग इवोल्यूशन. देखो एस्केलमेंथिस तक शूडो सिलोमेट था, एनेलिडा में पहली बार ट्रू सिलोमेट कंडीशन आई थी, फिर एनेलिडा के बाद सब में ट्रू सिलोमेट कंडीशंस थी. ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23, द लेयर एब्सेंट इन द एम्ब्रियोज ऑफ डिप्लोब्लास्टिक एनिमल. डिप्लोब्लास्टिक में क्या नहीं होता, क्या एब्सेंट है, एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है, मीजोडर्म है, नहीं है, मीजोडर्म है, नहीं है, उसकी जगह क्या है, मीजोग्लिया है. तो आंसर क्या होगा, सी. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 24, नर्व सेल एंड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट अपीयर्ड इन. देखो पहली बार टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिलेंट्रेट में आया था. ठीक है, और सिलेंट्रेट के हाइड्रा में आपको कुछ प्रिमिटिव नर्व सेल्स भी देखने को मिले थे. आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सिलेंट्रेट. आंसर हो जाएगा ए, यानी कि सिलेंट्रेट. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25, इन सम एनिमल ग्रुप The body is divided into compartments with at least some organs. The characteristic feature is called. बच्चे ये हमने एग्जाम्पलर में देखा है, ये क्वेश्चन हमने एग्जाम्पलर में देखा है. देखो अगर आप एनसीईआरटी रीड करोगे ना तो एनसीईआरटी बोलती है कि पर्टिकुलर पैटर्न्स में बॉडी का डिवाइड होना है ना, और ऑर्गन्स भी उसी के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएंगे. तो ये जो पैटर्न आपको देखने को मिलता है इसको सेगमेंटेशन बोलते हैं कि अलग अलग सेगमेंट है. लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर, ये फिनोमिना, इस फिनोमिना को आप क्या बोलते हो, मेटामेरिज्म. ट्रू सेगमेंटेशन का मिलना, ट्रू मेटामियस का मिलना, इसको हम क्या बोलते हैं, मेटामेरिज्म. आंसर होगा बी, आंसर होगा बी. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 26,
body cavity is the cavity present between body wall and gut wall. In some animals, body cavity is not lined by mesoderm. Body cavity hai, par wo mesoderm se lined nahi hai, pseudocoelomate. Body cavity na ho, acoelomate. Hai, par mesoderm nahi hai, pseudocoelomate. ठीक है, एस्केलमेंथिस में होती है, याद रखना, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है. आके देखो, मैच द फॉलोइंग आ रहे हैं आपके पास. पोरीफेरा, पोरीफेरा में आपको मिलता है कैनाल सिस्टम. बेटा प्लीज याद रखना, कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम पोरीफेरा में मिलता है, और वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा में मिलता है. दो अलग अलग सिस्टम है, कैनाल सिस्टम पोरीफेरा, वेस्क्यूलर सिस्टम इकाइनोडर्मेटा. ठीक है, एस्केलमेंथिस एनसीईआरटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड, मस्क्यूलर फेरिंग्स प्रेजेंट है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. एनेलिडा ट्रू मेटामेरिज्म, इनके अंदर मेटामियर्स देखने को मिलेंगे, और आर्थ्रोपोडा के अंदर अपेंडिजेस जॉइंटेड होते हैं. आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है दो, एक तो इनका एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना होता है, दूसरा इनके पास जॉइंट अपेंडिजेस, जॉइंटेड अपेंडिजेस वर्ड यूज होता है. ठीक है, तो देखो जरा, 1, 3, 5, 4, 2 आंसर क्या हो जाएगा, ए. आंसर क्या हो जाएगा, ए. ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 28. इनमें से कौन से एनिमल्स के ट्रू सिलोमेट होते हैं और बाइलिटरल सिमेट्री भी होती है. अच्छा, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा में रेडियल सिमेट्री है, बाइलिटरल नहीं, ये गलत हो जाएगा. एस्केलमेंथिस बाइलिटरल भी है, ट्रू सिलोमेट नहीं है, श्यूडोसिलोमेट है, श्यूडोसिलोमेट है, गलत हो जाएगा. प्लेटीहेलमेंथिस में बाइलिटरल सिमेट्री है, लेकिन ये ए सिलोमेट है, ए सिलोमेट है. आंसर एनालिट होगा, बाइलिटरल सिमेट्री भी है, ट्रू सिलोम कंडीशन भी है, शाइजोसिलोम होता है इसके अंदर. आंसर डी होगा, आंसर डी होगा. आगे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 29, आपके पास असर्शन रीजन आ रहा है. द प्राइमरी कैरेक्टर ऑफ कोडेट इज द प्रेजेंस ऑफ डोर्सल होलो नर्व कोड. मैंने आपको बताया डोर्सल सिंगल होलो नर्व कोड वन ऑफ द प्राइमरी कैरेक्टर है कोडेट्स का. जी हाँ, नर्व कोड हमारे पास होती है. वर्टिब्रल कॉलम इज डिराइव फ्रॉम नोटोकोड. कई कोडेट्स में नोटोकोड परसिस्टेंट रहती है, एज इट इज रहती है, कईयों के अंदर वो कन्वर्ट हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम में, है ना. तो क्या वो नोटोकोड से डिराइव है? जी हाँ, स्टेटमेंट दोनों सही है, बट दो अलग अलग है. स्टेटमेंट दोनों सही है, दो अलग अलग है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. आंसर बी हो जाएगा. ठीक है, आंसर बी हो जाएगा. ओके, फिफ्थ क्वेश्चन हमें, एनिमल्स विद रेडियल सिमेट्री has more advantage in detecting food and danger. It allows animal to be able to respond to stimulus from any direction. बच्चे अगेन, ये चीज़ आपको एनसीईआरटी में नहीं डायरेक्टली देखने को मिलेगी, बट रेडियल सिमेट्री मतलब आप उसको किसी भी प्लेन से कट कर सकते हो, वो इक्वल है. अब क्योंकि वो हर जगह से इक्वल है, तो सेंसरी सिस्टम का, सेंसरी नर्व्स का भी इक्वल डिविजन है हर जगह, तो वो उसकी वजह से क्या होता है कि हर डायरेक्शन से आने वाला डेंजर वो पहचान पाएंगे, और हर डायरेक्शन से उनको फूड भी मिल जाएगा, है ना. तो उनके लिए डिटेक्शन में एडवांटेज हो जाती है. जी हाँ, क्योंकि किसी भी डायरेक्शन से वो स्टिमुलस रिसीव कर सकते हैं. तो दोनों एकदम सही है, तो दोनों बिल्कुल रीजन, बिल्कुल एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है. आंसर ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 31, फिर से आपके पास एसर्शन रीजन आ रहा है. एस्केलमेंथिस रिप्रेजेंट श्यूडोसिलोमेट. जी हाँ, इनमें मीजोडर्म पाउचेस की फॉर्म में होती है, एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में. जी हाँ, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, फिर से आंसर ही हो जाएगा. ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, आंसर ही हो जाएगा. आगे देखो, हम लोग पोरीफेरा आप शुरू कर रहे हैं, तो स्पंजेस की बात आ रही है बेटा आपके पास. स्पंजेस में वाटर कैनाल सिस्टम है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग है बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, बिल्कुल. ये सिसाइल भी हो सकते हैं, फ्री स्विमिंग भी हो सकते हैं, गलत है, जनरली आपको सिसाइल ही देखने को मिलते हैं, है ना. तो बोथ ए एंड बी, आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी. आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 33. इन केस ऑफ पोरीफेरेंस द स्पॉन्जोसील इज लाइंड विद फ्लैजिलेटेड सेल्स. जो अंदर की तरफ कैविटी है स्पॉन्जोसील, उस पर जो लाइनिंग है सेल्स की, वो क्वेनोसाइट्स, कॉलर सेल्स जिनमें फ्लैजिला प्रेजेंट है. कौन से सेल्स हैं बेटा? क्वेनोसाइट्स. ठीक है, जो छोटी छोटी ओपनिंग है उन्हें ऑस्टिया कहते हैं. जो लार्ज बिग ओपनिंग है जिससे वाटर एग्जिट करता है, वो ऑस्क्यूलम होता है. क्वेनोसाइट्स और पिनेकोसाइट्स के बीच में कुछ मीजेनकाइमल सेल होते हैं. आपको इतना डिटेल याद नहीं रखना है, आप बस इस चीज़ को याद रखिएगा कि उस जो कैविटी है, जो आपके स्पंज के पास जो सेंटर में कैविटी है, वहां पर जो सेल्स प्रेजेंट है, वो कुछ फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स हैं, जिन्हें आप बोलते हो क्वेनोसाइट्स. ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 34. बॉडी हैविंग मेशवर्क ऑफ सेल्स, इंटरनल कैविटीज लाइन विद फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी लार्वा भी है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है. ये सब कौन सी फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक है? सब पोरीफेरा के हैं. पहली बात, मेशवर्क ऑफ सेल्स, सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल सिर्फ पोरीफेरा में होता है, वहां से भी आंसर कर सकते थे. ठीक है, आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 35.
इन मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम, याद रखना कैनाल सिस्टम आपको पोरीफेरा में देखने को मिलते हैं, कैनाल सिस्टम तीन तरीके के होते हैं, एस्कोन टाइप, साइकोन टाइप और ल्यूकोन टाइप. ठीक है, आपको सिर्फ नाम भी काफ़ी है, आप पूरे डिटेल में नहीं याद नहीं रखते. इसमें से सबसे सिंपल वाला एस्कोन टाइप का ही आपके पास कैनाल सिस्टम होता है. आप मुझे बताओ वाटर का फ्लो कैसा है, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इसकी ज़रूरत नहीं है, फ्लो सीधा सीधा आपको दिया हुआ है कि जो बॉडी पर छोटे छोटे पोर्स हैं ओस्टिया है उससे वाटर की एंट्री होगी, फिर वाटर आएगा सेंट्रल कैविटी में जिसे स्पंजो सील कहते हैं, फिर सारी डायरेक्शंस में फूड देने के बाद वो वाटर की एग्जिट होगी थ्रू द लार्ज पोर जिसे ऑस्क्यूलम कहते हैं, वहां से वो बाहर वापस चला जाएगा. तो आंसर विल बी ए, आंसर विल बी ए. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 36. यहाँ पर आपको कुछ डायग्राम्स दिख रहे हैं, तीनों पोरीफेरा के डायग्राम्स हैं. ठीक है, सबसे पहला डायग्राम किसका दे रखा है बेटा, आपको साइकोन स्काइफा का दे रखा है. फिर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे वो यू स्पॉन्जिया है, वो यू स्पॉन्जिया है जिसे बाथ स्पंज कहते हैं, और ये आपके पास स्पॉन्जिला है, ये आपके पास स्पॉन्जिला है जिसे फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा ए, आंसर क्या हो जाएगा ए. आगे देखिए 37, फ्रेश वाटर स्पंज इनमें से कौन सी है बेटा, फ्रेश वाटर स्पंज किसका दूसरा नाम है, यू स्पॉन्जिया बाथ स्पंज को कहते हैं, यू प्लेक्टिला भी नहीं आएगा इसके अंदर, साइकोन स्काइफा है, आंसर होगा स्पंजिला जिसे फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं. ठीक है, फ्रेश वाटर स्पंज स्पंजिला को कहते हैं. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38, इन पोरीफेरेंस द रूडिमेंट्री डिवीजन ऑफ लेबर इज फाउंड बिटवीन, पोरीफेरा में तो सेल है तो डिवीजन ऑफ लेबर भी किसके बीच में मिलेगा, सेल के बीच में मिलेगा. देखो एक क्वेश्चन पूछने के कितने तरीके थे, ये तीसरा तरीका आप यहाँ पर देख रहे हो. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 39, इनमें से कौन सा पोरीफेरा का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, नॉट पूछा है आपसे, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, जी हाँ लार्वा है, पेरिनकाइम्यूला एम्फीब्लास्टुला लार्वा होता है. क्या ये एसिमेट्रिकल है, क्या ये यूजुअली मरीन है, जी हाँ मेजरली आपको ये मरीन ही देखने को मिलेंगे. ठीक है, प्रिमिटिव होते हैं, मल्टी सेलुलर है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जी हाँ, स्पॉन्जो सील को कोएनोसाइट्स ने लाइन किया हुआ है, सही बात है, सेक्सेस सेपरेट है, गलत बेटा, हर्माफ्रोडाइट, मेल और फीमेल गैमेट सेम बॉडी में बन सकता है, सेक्सेस सेपरेट नहीं है, ये गलत हो जाएगा. तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, फिफ्थ ओनली, बाकी सब कैरेक्टरिस्टिक है, बाकी सब ठीक है, लिखे भी हुए हैं. ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 40, बेटा जितना फ्लैश कार्ड बनाओगे, जितनी बार रिवाइज करोगे ना एनिमल किंगडम में, उतना कम है, कोई भी एक पॉइंट से लाइन बन सकती है, कोई भी एक पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, एक वर्ड से क्वेश्चन बन सकता है, और हर वर्ड इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि हर वर्ड एक पर्टिकुलर फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. तो सोचो ना, अब ये इजी नहीं आएगा, ये इजीली याद नहीं होगा, बट बार बार रिवाइज करना होगा. अब क्योंकि आप पूरा नहीं याद कर सकते इस टाइम पे, अगर आप पहली बार कर रहे हो तो उसके लिए ये क्वेश्चन है. तो कभी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको ना समझ में आए या आप इनकरेक्ट कर दें गलती से, तो डीमोटिवेट मत होइएगा, ये क्वेश्चन आपको करेक्ट करने के लिए ही है. एटलीस्ट आपको एग्जाम से पहले आपने देख लिया, इंपॉर्टेंट चीजें रिवाइज कर ली, अब कम से कम ये क्वेश्चन आया तो गलत नहीं करोगे ना. तो कॉन्फिडेंस रखो, तुम तैयारी ही कर रहे हो, इस टाइम पे गलतियां होनी बनती हैं, लेकिन मेन एग्जाम में नहीं करनी है, बस उतना ध्यान रखना है हमें. ठीक है, अच्छा यहाँ पर आपको क्या करना है, करेक्ट डिस्क्रिप्शन देना है स्पंजस का. स्पंजस रीजनरेटिव होते हैं, कुछ मेंबर्स स्पंजस के होल बॉडी रीजनरेटिव होते हैं बेटा, इनके अंदर एक सेल होते हैं जिसे आर्कियोसाइट कहते हैं, वो टोटिपोटेंट है, एक सेल पूरी बॉडी बना देता है, तो है पॉसिबिलिटी. ठीक है, ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं स्पंजस, नहीं एसिमेट्रिकल होते हैं, इनमें कोई सिमेट्री नहीं होती, ये एसिमेट्रिकल होते हैं. इनमें क्लैरियन स्पाइक्यूल्स हैं पर सिलिशियस नहीं है, इनके अंदर दो तरीके का एंडोस्केलेटन है, स्पाइक्यूल्स का और स्पॉन्जिन फाइबर का, स्पाइक्यूल्स का और स्पॉन्जिन फाइबर्स का. ठीक है, ये जो स्पाइक्यूल्स इनके पास प्रेजेंट है वो कैल्शियम के भी बने हुए हो सकते हैं, वो सिलिका के भी बने हुए हो सकते हैं, तो कैल्शियम भी हो सकता है, सिलिका भी हो सकता है, लैक सिलिशियस नहीं होगा, पहली बात क्लैरियन नहीं, कैल्शियम लिखना था, बट एनीवे. अच्छा, ये आपको सिर्फ फ्रेश वाटर में मिलेंगे, ये स्टेटमेंट भी गलत है, ये तो मेजरली आपके पास मरीन है, मोस्टली मरीन है, सारे के सारे ही हैं ऑलमोस्ट, है ना, तो आंसर ए चला जाएगा, रीजनरेटिव सिर्फ वही है. आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 41, नीडोसाइट किसकी बात करें, सिलेंट्रेटा की. अब वैसे नीट में आपको ये हेडिंग नहीं दी जाएगी, बट हाँ नीडोसाइट्स, नीडोसाइट्स किस में प्रेजेंट होते हैं, सिलेंट्रेट्स में प्रेजेंट होते हैं, स्पेशल सेल्स होते हैं जिन्हें आप नीडोब्लास्ट या नीमेटोसाइट भी कह सकते हो. ये एक्सप्लोजिव सेल है, इनके अंदर से एक थ्रेड निकलती है जो टॉक्सिन रिलीज करती है. ठीक है, इनमें एक जॉइंट सिक्रेटरी ऑर्गेनल है, कैप्सूल है जिसे आप नीमेटोसिस्ट कहते हो. ठीक है, इन्हें स्टिंगिंग सेल भी कहा जाता है. ठीक है, सारे स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, सारे स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, ऑर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस. आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 42, आपको नाइडेरियन यानी सिलेंट्रेट के कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपको बताने कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है. ठीक है, अच्छा इनके पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, गलत. टिश्यू लेवल ठीक है बट ये ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं होते, ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं. इनमें डाइजेशन एक्स्ट्रा और इंट्रा सेलुलर दोनों है, ये बात एनसीईआरटी में लिखी हुई है.
कोरल्स कैल्शियम बाई कार्बोनेट का स्केलेटन बनाते हैं बेटा. जनरली कोरल्स के पास जो स्केलेटन है वो कैल्शियम कार्बोनेट का है. देखो कहीं भी अगर आप देखोगे तो कहीं भी आप सर्च करोगे, किसी बुक में भी आप रीड करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट के ही स्केलेटन की बात की जाती है जिससे एर्गोनाइट मिलता है. बाई कार्बोनेट की बात वैसे जनरली नहीं करते कॉम्पोजिशन में, ठीक है. कोरल्स में हार्बर सम फोटोसिंथेटिक डाइनोफ्लेजिलेट्स टू टेक न्यूट्रिशन. कोरल्स को अपने पास कुछ रखना पड़ता है न्यूट्रिशन के लिए. फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स रखते हैं जनरली, अगर आप रीड करोगे तो ऐसे लिखा जाता है स्मॉल एल्गा अपने पास रखते हैं, ठीक है. पर हम रीड करते हैं बाकी ऑप्शंस. दे पोजेस अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विद अ सिंगल ओपनिंग माउथ इन हाइपोस्टोम. अगर आप एनसीईआरटी रीड करोगे इनके अंदर एक सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ठीक है. माउथ की ओपनिंग प्रेजेंट है ओन हाइपोस्टोम बेटा, इन नहीं होता, ओन होता. हाइपोस्टोम का मतलब क्या है? बिलो माउथ. तो जो चीज बिलो माउथ है माउथ उसके ऊपर ही होगा ना, है ना. तो हाइपोस्टोम के तो ऊपर होगा माउथ. फिर भी देखो आपको क्या बताना है, ऑप्शंस जरा रीड करें. इतना इतना पक्का आपको पता है कि वन इनकरेक्ट है. तो वन को करेक्ट कहने वाले ऑप्शन तो मैं सीधा सीधा कट कर रही हूँ, ठीक है. और आपको ये भी पता है वन को करेक्ट कहने वाले ऑप्शंस को तो मैं सीधा सीधा इनकरेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता है वन तो इनकरेक्ट है. अच्छा टू आपके पास करेक्ट है, टू आपके पास करेक्ट है और टू करेक्ट इसी ऑप्शन में दे रखा है तो हम इसको लेते हैं. अब यहां पर इन्होंने फोर्थ को भी करेक्ट दे रखा है, ठीक है, फोटोसिंथेटिक है तो मान लिया. और इन को इन्होंने काउंट नहीं किया, इस इंग्लिश मिस्टेक पर वो नहीं गए. तो ऑफकोर्स आंसर फिर क्या गया है, टू फोर और फाइव गया है ना. बाइकार्बोनेट नहीं होता, कैल्शियम कार्बोनेट होता है आपके पास आंसर में. टू डेफिनेटली करेक्ट है ना. थ्री करेक्ट नहीं है बेटा, फिर फोर और फाइव इन्होंने करेक्ट ले लिया. तो इन वाली गलती भी इन्होंने छोड़ दी और डाइनोफ्लेजिलेट कोई भी फोटोसिंथेटिक इन्होंने ऑर्गेनिज्म ले लिया, ठीक है. तो आंसर यहाँ से क्या चला जाएगा अभी. अब आपने अप्रोच देखा ऐसे क्वेश्चन को हमको कैसे सॉल्व करना है. वन पता था इनकरेक्ट है तो वन को जिसने करेक्ट लिखा उसको पहले हटा दो, ये तो पक्की पक्की. अगर आप इन तीनों में कंफ्यूज भी हैं इन दोनों को लेकर तो श्योर है ना, तो उनसे आंसर कर लो. टू आपको पक्का पक्का पता है करेक्ट है और टू करेक्ट होना बी ऑप्शन में दे रखा है, वहां से सॉल्व कर सकते हो इसको, है ना. आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 43. दो डायग्राम दे रखे हैं, ये सिलेंट्रेट के डायग्राम है. दो पोम्स होती हैं, एक पॉलीपोरिक मेड्यूसा जो ये सिलेंड्रिकल शेप होती है इसे आप पॉलिप बोलते हो, जो ये अम्ब्रेला लाइक शेप होती है इसे आप मेड्यूसा बोलते हो, ये होता है. अच्छा क्या ये दोनों फॉल्स स्विमिंग फॉर्म्स हैं? जी नहीं, पॉलिप सेसाइल होती है, फ्री स्विमिंग नहीं होती. फॉल्स स्विमिंग की तो हम बात ही नहीं कर रहे, और मेड्यूसा फ्री स्विमिंग होती है. दोनों सेसाइल है? जी नहीं, पॉलिप सेसाइल है, मेड्यूसा फ्री लिविंग है, हमें पता है. ए जो है वो बी को ए सेक्शुअली बनाता है, यानी मेड्यूसा से पॉलिप ए सेक्शुअली बनेगा? नहीं, मेड्यूसा से पॉलिप सेक्शुअली बनता है, पॉलिप से मेड्यूसा ए सेक्शुअली बनता है. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया. बी प्रोड्यूस ए सेक्शुअली, यानी पॉलिप मेड्यूसा को सेक्शुअली बनाएगा, ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया बेटा. सारे स्टेटमेंट गलत है. तो अब या तो क्या लिखा होता इस ऑप्शन में, या तो मैं ई ऑप्शन बना देती हूँ या सी को करेक्ट कर देती हूँ. तो इस ऑप्शन में क्या है, ए प्रोड्यूस बी ए सेक्शुअली, यानी मेड्यूसा से पॉलिप बनेगा ए सेक्शुअली, उसका ए हटा दो, बी यहाँ सेक्शुअली बनेगा. या चलो इसमें छेड़ते नहीं, इसको कर देते हैं बी प्रोड्यूस ए ए सेक्शुअली और ए बी को बनाएगा सेक्शुअली, फिर ये आंसर करेक्ट हो जाएगा. यहां पर अगर मैं ए ऐड कर दूं तो ये मेरा आंसर फिर करेक्ट हो जाएगा, ये कर सकती हूँ मैं. अदरवाइज कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है. तो आपको करेक्ट आंसर पता होना चाहिए, आपको खुद के आंसर पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपको उसके अकॉर्डिंग टिक लगाना है, ठीक है. आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44. यहाँ पर आपको मैच द फॉलोइंग दिख रहा है, ये सारे एग्जाम्पल सिलेंट्रेट के हैं. गोरगोनिया सी फैन का दूसरा नाम है, एडेम्सिया सी एनिमोन को कहते हैं, फाइजीलिया पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर है, पेनेट्यूला सी पेन को कहते हैं, ठीक है. तो देखो 1 4 3 2, फिर से हमारे पास ऑप्शन नहीं है, एक ऑप्शन बनाओ. 1 4 3 2 वो आंसर है, वो आंसर है, गलती तो नहीं करी ना मैंने, ठीक है. 1 4 3 2. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 45. क्वेश्चन नंबर 45, स्टिंगिंग कैप्सूल्स जिन्हें निमेटोसिस्ट कहते हैं वो नीडोब्लास्ट सेल के अंदर होती हैं और नीडोब्लास्ट सेल्स आपको सिलेंट्रेट में मिलता है और ये तीनों ही एग्जाम्पल सिलेंट्रेट के हैं, तो आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 46, क्वेनोसाइट या कॉलर सेल जो स्पंजोसील में मिलते हैं वो स्पंजोसील को भी लाइन करते हैं और कैनाल्स ऑफ पोरिफेरा को भी लाइन करते हैं. पोरिफेरा के पास स्पाइक्यूल्स भी होते हैं, स्पंजिन फाइबर्स भी होते हैं. जी हाँ, जी हाँ, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, पर दोनों कोई एक दूसरे के बारे में हमें कुछ भी नहीं बता रहे, तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. आगे देखो टीनोफोरा, टीनोफोरा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं,
इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करते हैं. क्या इनके पास सेपरेट सेक्सेस होते हैं? नहीं, तो आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी. आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी. डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से बेटा आगे देखिए. चार आपको डायग्राम दे रखे हैं और आपको इन्हें पहचानना है. पहला डायग्राम एक टीनोफोरा का है जो आ जाएगा आपके पास प्लूरोब्रैंकिया. तो फेजियोला वाले ऑप्शन सीधा सीधा कट कर दीजिए. दूसरा एग्जाम्पल छोटा साइज में पोस्टीरियर एंड कर्व, ये मेल एस्कैरिस आपको दिखाया हुआ है. ये मेल एस्कैरिस आपको दिखाया हुआ है जो कि राउंड वर्म होता है. तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा. आंसर तो आ गया आपके पास ये राउंड वर्म है. बाकी फिर भी देख लो, ये आपके पास टीनिया सोलियम है, टेप वर्म है, और ये आपके पास एडेमसिया है, सी एनी वर्म. ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 49. टेप वर्म्स प्लेटीहेल्मिंथेस, उनमें फ्लेम सेल्स एब्सेंट, गलत बात, होते हैं एक्सक्रीशन के लिए. इनके अंदर एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन दोनों प्रेजेंट है, तो ये स्टेटमेंट भी आपके पास गलत हो जाएगा. इनके पास कोई स्केलेटन नहीं होता, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन होता है, सिलोम का बना हुआ. हुक्स एंड सकर्स होते हैं, जी हाँ, क्योंकि ये पैरासाइट है, किसी की बॉडी के अंदर रह रहे हैं, तो हुक्स और सकर्स चाहिए इनको. रेडियल सिमेट्रिकल नहीं, बायलेटरल सिमेट्रिकल है. आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 50. इनमें से कौन प्लेटीहेल्मिंथेस नहीं है? इसको एक्स नहीं, एस सी करो. ये फेजियोला है, लिवर फ्लू की होता है, टीनिया टेपवर्म है, प्लेनेरिया डुजेसिया है, व्यूकरेरिया फिलेरियल वर्म, राउंड वर्म होता है. ये आपके पास एस्केलमेंथिस है, ये प्लेटीहेल्मिंथेस नहीं है, ये राउंड वर्म होता है. आंसर ए हो जाएगा. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 51. एस्केरिस की बात ही बताइए. एस्केरिस में ट्रू सिलोम नहीं होता, लेकिन मेटामेरिज्म होता है. देखो एस्केरिस क्या है? एस्केलमेंथिस. ट्रू सिलोम नहीं होता है, बात सही है, क्योंकि शूडोसिलोम होता है. पर क्या मेटामेरिज्म होता है? मेटामेरिज्म एनिलिडा आर्थ्रोपोडा मोलस्क, एनिलिडा आर्थ्रोपोडा कोडेटा में देखने को मिलता है, एस्केलमेंथिस में नहीं. इनके अंदर ट्रू सिलोम भी नहीं है, मेटामेरिज्म भी नहीं है, सही बात है. इनमें ट्रू सिलोम है, जी नहीं. इनमें ट्रू सिलोम है, जी नहीं. शूडोसिलोम है. ये एस्केरिस आपके किसको बिलोंग करता है? एस्केलमेंथिस को बिलोंग करता है, जिसमें ट्रू सिलोम नहीं होती. आंसर होगा बी, आंसर होगा बी. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 52. आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, स्टेटमेंट्स आपके सामने दी हुई हैं. सी वॉलनट और कॉम जेलीज आप किसके लिए कॉमनली यूज्ड होता है बेटा? टीनोफोरा के लिए. बायोल्यूमिनेसेंस किसके पास है बच्चे? टीनोफोरा के पास है. बॉडी पे 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्प्लेट्स का होना जो लोकोमोशन में मदद करता है बच्चे? टीनोफोरा. फिर से फ्लेम सेल्स का होना एक्सक्रीशन में मदद करने के लिए? प्लेटीहेल्मिंथेस. एलिमेंट्री केनाल का कंप्लीट होना, मस्क्यूलर फेरिंग्स का प्रेजेंट होना? एस्केलमेंथिस. एस्केलमेंथिस. तो आप देख लो, 1, 2, 3 टीनोफोरा है, फिर प्लेटीहेल्मिंथेस है, और फिर एस्केलमेंथिस है. आंसर ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा. ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53. प्लेटीहेल्मिंथिस फाइलम के मेंबर्स आपको दे रखे. वो डोर्सोवेंट्रली फ्लैट होते हैं, इसीलिए उन्हें फ्लैटवर्म कहते हैं, जी हाँ. ये बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, बिल्कुल. ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बिल्कुल. ये ए सिलोमेट होते हैं, बिल्कुल. ये स्टेटमेंट करेक्ट है. इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है? नहीं, ऑर्गन लेवल होता है. इनमें ऑर्गन लेवल होता है. क्या सारे फीचर्स सही हैं? नहीं, बट मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट. मल्टीपल आंसर करेक्ट. ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, कोई गलती नहीं है, दोनों में बिल्कुल सही है. मल्टीपल आंसर्स करेक्ट है. ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 54. टीनिया सोलियम और डुजेसिया दोनों प्लेटीहेल्मिंथेस है, जी हाँ. डुजेसिया प्लेनेरिया का ही दूसरा नाम होता है बेटा. ठीक है, तो टेपवर्म डुजेसिया है, दोनों प्लेटीहेल्मिंथेस हैं. अच्छा, प्लेटीहेल्मिंथेस में सिलोम होता है? जी नहीं, ए सिलोमेट होते हैं. तो एसर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है? सी हो जाएगा, सी हो जाएगा. ठीक है, अगर आपको आता है, आपने सारी एनसीईआरटी रीड करी है, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन आता है, तो आप बहुत जल्दी जल्दी भी आंसर कर सकते हो, है ना. आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो ऑर्गेनिज्म है प्लेटीहेल्मिंथेस के, वो ज्यादातर हर्माफ्रोडाइट होते हैं. बिल्कुल बेटा, शाइस्टोस्ट्रोमा एक एग्जाम्पल होता है, उसको छोड़ दो, बाकी सब हर्माफ्रोडाइट होते हैं प्लेटीहेल्मिंथेस में. ठीक है, अच्छा. दीज ऑर्गेनिज्म पोजेस इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. ज्यादातर इन ऑर्गेनिज्म्स में आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही देखने को मिलेगा, इंटरनल ही देखने को मिलता है, तो रीजन तो गलत है. ठीक है, अच्छा, assertion सही है, assertion सही है, रीजन गलत है, तो सी हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना. आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 56. आपको स्टेटमेंट दिखना है एस्केलमेंथिस के बारे में. इनकी बॉडी सर्कुलर होती है क्रॉस सेक्शन में, इसीलिए इनको राउंड वर्म कहते हैं. बिल्कुल, इसीलिए राउंड वर्म कहते हैं. एलिमेंट्री केनाल इनके अंदर इनकम्प्लीट नहीं है बेटा, कंप्लीट हो गया है. मस्क्यूलर फेरिंग्स है और कंप्लीट है. मस्क्यूलर फेरिंग्स है, बिल्कुल है. क्या ये हर्माफ्रोडाइट है? मेल और फीमेल एस्केरिस याद है, दो अलग अलग बने हुए थे, हर्माफ्रोडाइट नहीं है. तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा. कौन कौन सा करेक्ट है बेटा? फर्स्ट करेक्ट है और थर्ड करेक्ट है. आंसर ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा. आगे देख लें क्वेश्चन नंबर 57. इनकरेक्ट बताना है, फटाफट इनकरेक्ट ढूंढ लेते हैं. मीजोग्लिया, मीजोग्लिया किस में होती है? डिप्लोब्लास्टिक में होती है. एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मीजोग्लिया होना डिप्लोब्लास्टिक में होता है. ओबिलिया किसका एग्जाम्पल है? सेलेंट्रेट. डिप्लोब्लास्टिक है, सही बात है.
एस्टेरियस यानी स्टारफिश, स्टारफिश के एडल्ट में रेडियल सिमेट्री होती है, एक्सेप्शन है, सही बात है. फेजियोला क्या है? प्लेटीहेलमिंथिस. उसमें शूडोसिलोम मिलेगा? नहीं, शूडोसिलोम एस्केलमेंथिस में मिलता है, प्लेटीहेलमिंथिस में नहीं. टीनिया प्लेटीहेलमिंथिस क्या वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है? जी हाँ, वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है. तो इनकरेक्ट सी हो जाएगा बेटा, इनकरेक्ट आपके पास सी हो जाएगा. ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 58. इन गिवन सेल्स में से कौन सा सेल है जो डिफरेंशिएट कर अलग अलग फंक्शन कर सकता है? क्वेनोसाइट का फिक्स काम है, फ्लैजिला है, मूवमेंट है, अलग अलग फंक्शन नहीं कर सकता. गैस्ट्रोडर्मल सेल्स सिलेंड्रेट की कैविटी को लाइन करते हैं, एक ही काम है लाइनिंग का, ज्यादा काम नहीं है. निमेटोसिस्ट एक ही काम करेगा, स्टिंगिंग कैप्सूल है तो स्टिंग करने का काम करेगा, है ना, टॉक्सिन रिलीज करने का काम करेगा. डिफरेंट फंक्शन में डिफरेंशिएट कौन होते हैं? इंटरस्टीशियल सेल्स. ये आपको ज्यादातर पोरीफेरा में देखने को मिलते हैं. पोरीफेरा में जो इस तरीके से वॉल प्रेजेंट होती है ना बेटा, तो पोरीफेरा में उस वॉल में इन दोनों लेयर्स के बीच में कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें आप इंटरस्टीशियल सेल्स बोलते हैं, जो अमीबोसाइट्स भी बोलते हैं जिन्हें, क्योंकि वो अलग अलग शेप के होते हैं. वो हर एक सेल डिफरेंशिएट कर अलग फंक्शन करता है. कोई ट्रोफोसाइट बनाता है, कोई थीसोसाइट बनाता है, कोई आर्कियोसाइट बनाता है, कोई सिलिकोब्लास्ट बनाता है, तो बहुत सारे फंक्शंस करते हैं. वो 10 तरीके के सेल होते हैं, उन्हें आप बोलते हो इंटरस्टीशियल सेल्स. ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 59. अब अगेन बच्चे, जो थोड़ी बहुत भी अगर कोई लाइन एनसीईआरटी के बाहर जा रही है तो आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हम रिवाइज कर लेंगे. कम से कम हमने सुना होगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे तो हम सॉल्व कर पाएंगे, है ना. आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 59. लीच, ब्लड सकिंग लीच, साइंटिफिक नेम क्या है? हिरुजिनेरिया. हिरुजिनेरिया नीरीज आपका सैंड वर्म होता है बेटा, फेरिटेमा आपकी अर्थ वर्म होती है, हिरुजिनेरिया लीच होता है, ब्लड सकिंग लीच. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 60, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन हमें? इनमें से कौन सा एंजियोपैरासाइट वीवी पेरिटी शो करता है? एनसाइलोस्टोमा, एंटीरोबियस, ट्राइचिनेला स्पाइरलिस एंड एस्केरिस लम्ब्रिकॉइड्स. ये एंडोपेरासाइट्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, डाइजेस्टिव ट्रैक में मिलने वाले. एस्केलमेंथस ज़्यादातर ह्यूमन में एंडोपेरासाइट है, गट में मिलेंगे. कौन वीवी पेरिटी शो करता है, मतलब एग ले करने के बजाय यंग वंस को बर्थ देता है? तो बेटा याद करना, एक एग्जाम्पल इसके अंदर आएगा ट्राइचिनेला स्पाइरलिस, बाकी सब ओवीपेरस होते हैं, ये आपके पास वीवी पेरस होते हैं. ये डायरेक्टली याद करने वाली चीज़ है, तो ट्राइचिनेला वीवी पेरस होता है, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो काम चल जाएगा. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 61, याद रहे तो अच्छी बात है ना, देख लेना ट्राइचिनेला एक ही इनमें से, फिक्स क्वेश्चन है ये. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 61. अच्छा, एस्केलमेंथिस एनेलिडा बायलिटरल सिमेट्री, जी हाँ, एस्केलमेंथिस एनेलिडा सिलोमेट्स हैं. एस्केलमेंथिस शूडो सिलोमेट है, सिलोमेट नहीं है. एसर्शन सही है, रीजन फॉल्स है, आंसर सी होगा, आंसर सी होगा. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 62, इनमें से कौन से एनिमल्स ट्रू सिलोमेट होते हैं और बायलेटरल सिमेट्री भी होनी चाहिए? बेटा ट्रू सिलोमेट की शुरुआत होती है एनेलिडा से, याद रखना, एनेलिडा से ट्रू सिलोमेट की शुरुआत होती है और बायलेटरल सिमेट्री भी होनी चाहिए. देखो एस्केलमेंथिस और प्लेटीहेलमेंथिस आ नहीं जाएगा, वो एनेलिडा से पहले हैं. एनेलिडा में बायलेटरल सिमेट्री होती है, जी हाँ. एडल्ट इकाइनोडर्मेटा में रेडियल होती है, बायलेटरल नहीं होती, इसलिए आंसर डी हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 63. एनेलिडा नेम आप उस एनिमल को देते हो, उस फाइलम को देते हो जिसमें क्या हो बेटा, मेटामेरिक सेगमेंट्स हो. देखो ये सारे फीचर्स एनेलिडा के, ढंग से देखो, एनेलिडा में आपको पैरापोडिया देखने को मिलता है, स्विमिंग ऑर्गन है, स्विम करने में मदद करता है. नेफ्रीडिया उनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, उनके पास होते हैं, और इनके अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशंस भी हैं. लेकिन अगर क्या उसके पास पैरापोडिया नहीं है तो क्या मैं उसको एनेलिडा नाम नहीं दूंगी? अब पैरापोडिया सिर्फ नीरीज के पास होता है, लीच के पास नहीं है, अर्थवर्म के पास नहीं है, तो क्या मैं उसे एनेलिडा मानने से मना कर दूं? ऐसा नहीं होता बेटा. एनेलिडा एनसीईआरटी लिखती है, एक वर्ड से डिराइव्ड है, एन्यूलस, जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग्स. तो अलग अलग सेगमेंटेशन है, रिंग्स आपको देखने को मिलेंगी मेजरली, तो उस वजह से उसको नाम एनेलिडा दिया जाता है. तो उससे क्लोज आंसर आपके पास मेटामेरिक सेगमेंट्स ही है, कि वो जो सेगमेंटेशन है उसकी वजह से आप उसको एनेलिडा नाम देते हो, क्योंकि ये लिटिल रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इसको मल्टीपल सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं. तो आंसर बी जाना चाहिए, जो मोस्ट करेक्ट होगा. ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 64, एनेलिडा की ही बात की गई है. एनेलिडा का न्यूरल सिस्टम में पेयर्ड गैंग्लिया है जो लेटरल नर्व से कनेक्टेड है और एक डबल वेंट्रल नर्व कोड बनाते हैं. डबल वेंट्रल नर्व कोड बनाते हैं, सही बात है. एनेलिडा में रिप्रोडक्शन एसेक्सुअली सेक्सुअली दोनों हो सकता है बच्चे, सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. नीरीज में, फेरेटिमा में, हिरुजिनेरिया मोनोशियस कंडीशन होती है, नीरीज डायोशियस होता है, नीरीज डायोशियस होता है, मेल अलग फीमेल अलग. फेरेटिमा और हिरुजिनेरिया मोनोशियस होता है, स्टेटमेंट गलत हो गई. एक्वेटिक फॉर्म्स इनके अंदर कंप्लीटली एब्सेंट, ऐसा नहीं है नीरीज एक्वेटिक फॉर्म है ना, तो वो गलत हो जाएगा. तो आंसर क्या होगा? ए. आंसर क्या होगा? ए. ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 65, मैच द फॉलोइंग आ रहा है आपके पास. अच्छा,
ये अलग अलग तरीके के रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो आर्थ्रोपोडा किंगडम में आपको, आर्थ्रोपोडा फाइलम में आपको देखने को मिलते हैं। हमें मैच करना है बेटा। सबसे प्रिमिटिव होता है बुक गिल्स, जो आपको लिविंग फॉसिल लिम्यूलस किंग क्रैब में देखने को मिलता है बुक गिल्स। फिर आते हैं आपके पास गिल्स, ये एक्वेटिक आर्थ्रोपोड में आपको देखने को मिलते हैं, जैसे क्रैब, जैसे प्रॉन। फिर आपके पास आ रहे हैं बुक लंग्स, जो आपको एरेक्निड्स में देखने को मिलते हैं, जैसे स्कॉर्पियो एंड स्पाइडर। फिर आ रहे हैं आपके पास ट्रैकियल सिस्टम, ट्रैकिया, ये आपको इंसेक्ट्स में देखने को मिलेगा, जैसे बटरफ्लाई और कॉकरोच। अब ये मत सोचना कि ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये हर एक नाम एनसीईआरटी में मेंशन है, तो इसका एग्जाम्पल याद करना आपकी जिम्मेदारी हो जाती है, ये उसी का एक्सटेंशन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर आप मार्क करेंगे बेटा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, 2, 3, 1, 4, यानी कि बी, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा बी। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 66, इनकरेक्ट, सर्कल करो, आपसे इनकरेक्ट पूछा है। कॉकरोच में और प्रोन में एक्सक्रीशन जो है वेस्ट मटेरियल का, वो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल से होता है। अच्छा, टीनोफोरा में लोकोमोशन कॉम्प्लेट से होता है, सही बात है। फेजियोला यानी प्लेटीहेलमिंथेस में फ्लेम सेल से एक्सक्रीशन होता है, सही बात है। अर्थवर्म हर्माफ्रोडाइट है, फिर भी क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं, दूसरे के ऊपर बैठते हैं और क्रॉस फर्टिलाइजेशन करते हैं, सही बात है बेटा। ये स्टेटमेंट गलत है। ये स्टेटमेंट गलत क्यों है? कॉकरोच जो आपका इंसेक्ट है वो मेल्फिजियन ट्यूब्यूल से एक्सक्रीशन करता है, पर प्रोन आपका एक्वेटिक अर्थ्रोपोड्स हैं, और जो एक्वेटिक अर्थ्रोपोड होते हैं वो एंटीनरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड से एक्सक्रीशन करते हैं। वो एंटीनरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड से एक्सक्रीशन करते हैं, वहीं याद रखिएगा एरेक्निड्स यानी कि स्कॉर्पियो या फिर स्पाइडर, इनका जो एक्सक्रीशन होता है ये कॉक्सल ग्लैंड से होता है। ठीक है, ये तीन ही तरीके के क्वेश्चन हैं जो बन सकते हैं। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, प्रोन हो गया, क्रैब हो गया, कोई भी एक्वेटिक आर्थ्रोपोड अगर आपसे पूछा जाए तो उसका एक्सक्रीशन याद रखना एंटीनरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड से होता है, स्कॉर्पियो और स्पाइडर का कॉक्सल ग्लैंड से होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। और सब इंसेक्ट का मेल्फिजियन ट्यूब्यूल से होता है, जितने भी इंसेक्ट्स हैं उनका एक्सक्रीशन मेल्फिजियन ट्यूब्यूल से होता है। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 67, किसका डायग्राम दे रखा है, लीच दिखा रखी है आपको यहाँ पे, तो देखो जरा, लीच यानी कि एनेलिडा है, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलेटरल सिमेट्री है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन है, ट्रू सिलोम कंडीशन है, डायोशियस है ये नहीं, मोनोशियस है, लीच और अर्थवर्म मोनोशियस होते हैं। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम एनेलिडा में मिलेगा, इसमें कोई लेटरल अपेंडिजेस नहीं है, ना पैरापोडिया है, ना सीटें हैं, कुछ भी नहीं है, एनेलिडा है, जी हाँ एनेलिडा है। तो 1, 2, 4 और 6 आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 68, आपको इनकरेक्ट सेट चूज करना है विद रिस्पेक्ट टू आर्थ्रोपोड्स। तो देखो, लिम्यूलस किंग क्रैब आर्थ्रोपोड है, लोकस्ट टिड्डा जो ग्रिगेरियस पेस्ट है आर्थ्रोपोड है, क्यूलेक्स मस्किटो है, ये मस्किटो है आपके पास। ठीक है, अच्छा, फाइलेरियसिस करता है, तीनों आर्थ्रोपोड है। बॉम्बिक्स आपका सिल्कवॉर्म, एपिस आपकी हनी बी, लेसीफर लाका इंसेक्ट, ये भी आपके पास आर्थ्रोपोड है। पिंक टाटा एप्लाइजिया डेंटाइलियम, ये तो मोलस्क होगा, इसको तो हटाई दो। ठीक है, एडीज मस्किटो है, डेंगी करता है, एनाफिलीज मस्किटो है, मलेरिया करता है, एपिस आपकी हनी बी बनाने वाली, तो ये भी आपका आर्थ्रोपोड है। अब इसमें आप इनकरेक्ट सेट कैसे चूज करोगे बेटा, सोचो जरा। तो बच्चे अब देखो, बहुत थोड़ा ध्यान से देखो, तीनों आर्थ्रोपोड है, तीनों ऑप्शन आर्थ्रोपोड है, लोकस्ट क्यूलेक्स इंसेक्ट्स हैं, एक ग्रिगेरियस इंसेक्ट है और एक आपके पास मस्किटो है, इंसेक्ट्स में ही आ रहा है। लिम्यूलस या जो किंग क्रैब होती है वो फाइलम आर्थ्रोपोडा में सब फाइलम आती है चेलीसीरेटा, ये डिवीजन अब आपके पास नहीं है, चेलीसीरेटा करके एक सब फाइलम आती है चेलीसीरेटा। ठीक है, जिसके अंदर एक क्लास होती है मीरोस्टोमेटा, ये पहले करते होते थे बेटा, पहले पढ़ाते होते थे, अप टू क्लास अब नहीं पढ़ाते, पर ये कौन सी क्लास में आता है, मीरोस्टोमेटा। ठीक है, बाकी दोनों इंसेक्ट है, कौन सी क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, इंसेक्टा,
लिमिलस अलग है, वो कौन सी क्लास को बिलोंग करता है? मीरोस्टोमेटा. याद रखना लिमिलस का जो रिलेशनशिप है वो इंसेक्ट से ज़्यादा बेहतर ना होके एरेक्निड स्कॉर्पियो स्पाइडर से ज़्यादा क्लोज रिलेशन होता है. ठीक है, अब इन तीनों को देखो, बॉम्बिक्स, एपिस और लेसिफर, ये तीनों इंसेक्टा को बिलोंग कर रहे हैं. इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट है, तीनों इंसेक्ट है. मस्किटो है या फिर एपिस है, तीनों इंसेक्ट है, एक ही क्लास को बिलोंग कर रहे हैं तीनों इंसेक्टा. तो ओड वन आउट बनेगा तो ये बनेगा बेटा, बिकॉज ये तीनों सेम क्लास को बिलोंग नहीं करते. एक क्लास अलग है, एक ही क्लास अलग है, मीरोस्टोमेटा को बिलोंग करता है. अब आपको मीरोस्टोमेटा नाम नहीं पता था, इतना तो पता था इंसेक्ट नहीं होता लिमुलस, उससे भी आंसर हो जाता, उससे भी आंसर हो जाता है ना. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 69, बैलेंसिंग ऑर्गन. सारे नॉन कॉर्डेट्स में ऑलमोस्ट इन्होंने एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड पूछा है. वैसे जहां जहां आपको बैलेंसिंग ऑर्गन नॉन कॉर्डेट्स में देखने को मिलता है, स्टैटोसिस्ट ही होता है बेटा, स्टैटोसिस्ट ही होता है. आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 70, इनमें से कौन सा फीचर आर्थ्रोपॉड का नहीं है? नहीं को सर्कल कीजिए, नॉट पूछा है. एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, मेटामेरिज्म है, पेरापोडिया नहीं, ये एनेलिडा में मिलता है. जॉइंटेड अपेंडेजेस और काइटेनियस एक्सोस्केलेटन, ये तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं आर्थ्रोपोड्स के. तो आंसर क्या होगा? बी, क्योंकि ये किस में मिलता है? ये हमें एनेलिड्स में मिलता है, ये हमें एनेलिड्स में मिलता है. क्वेश्चन नंबर 71, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक रिस्पॉन्सिबल है फॉर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंसेक्ट्स ऑन लैंड? सबसे ज्यादा आपके पास एनिमल्स होते हैं, उसमें 70% आपके पास इंसेक्ट्स होते हैं. इंसेक्ट्स बहुत डाइवर्सिफाइड है, बहुत सारे नंबर में, और लैंड पर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है. क्यों? इनके एक्सोस्केलेटन की वजह से. हार्ड काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन इनको अलग अलग लैंड के अलग अलग एरियाज में सर्वाइव करने में मदद करता है. तो इनका डाइवर्सिफिकेशन हुआ लैंड पे, है ना, इनके एक्सोस्केलेटन ने इनकी मदद करी. ठीक है, तो आंसर क्या होगा? सी. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 72, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इंसेक्ट में जो हीमोलिम्फ मिलता है उसका कोई रोल नहीं होता ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन के लिए इन मोस्ट केसेस. बेटा सच बात है ये, इंसेक्ट के पास रेस्पिरेशन के लिए ट्रैकियल सिस्टम है, मेजरली ट्रैकियल सिस्टम है. ट्रैकिया डायरेक्टली एयर हवा से लेता है और उसको सीधा सीधा सेल्स टिश्यूज को दे देता है, बीच में हीमोलिम्फ का रोल नहीं होता. ठीक है, इंसेक्ट का हीमोलिम्फ कलरलेस होता है, ये बात भी सही है. स्टेटमेंट दोनों सही है, स्टेटमेंट दोनों सही है, आंसर सी हो जाएगा. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 73, आपको चार डायग्राम दे रखे हैं पर पूछा आर्थ्रोपोड के बारे में. हम रीड करते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है आर्थ्रोपोड में, बिल्कुल, एनेलिडा में क्लोज मिलता है. आर्थ्रोपोड्स में हीमोलिम्फ होता है जो डायरेक्टली बेद करता है इन इंटरनल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. देखो वैसे तो हीमोलिम्फ बेद नहीं करता, टिश्यूज एंड ऑर्गन्स बेद करते हैं इन हीमोलिम्फ. आर्थ्रोपोड कंटेन हीमोलिम्फ विच डायरेक्टली बेद इन इंटरनल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स. बेटा स्टेटमेंट का कोई सेंस नहीं बन रहा, जो इंटरनल टिश्यूज एंड ऑर्गन्स है दे बेद इन हीमोलिम्फ क्योंकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है. तो वन ट्रू है पर टू फॉल्स है, वन ट्रू है लेकिन टू फॉल्स है, इसकी उल्टा होना चाहिए ना, इंग्लिश उल्टी लिखी हुई है यहाँ पे, टू फॉल्स है. ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 74, मोल्टिंग, इसे एक्डाइसिस भी कहते हैं. मोल्टिंग मतलब क्या बेटा? जो भी लेयर है, जो भी कवरिंग है, चाहे वो क्यूटिकल की कवरिंग है, चाहे वो काइटिन की कवरिंग है ना, अब नीचे से नई लेयर आएगी और ऊपर वाली डेड लेयर, पुरानी लेयर शेड ऑफ हो जाएगी, है ना, ग्रोथ के टाइम. तो इसको आप क्या बोलते हो? मोल्टिंग या एक्टाइसिस. तो मोल्टिंग एंड एक्टाइसिस में काइटिन शेड होता है आर्थ्रोपोड में रेगुलर इंटरवल पे, जी हाँ, क्योंकि उनके पास काइटिन है. और बाकी इनवर्टिब्रेट्स में हम क्यूटिकल की शेडिंग की बात करते हैं मेजरली. एक्सटर्नल जो क्यूटिकल है वो शेड हो जाएगा और नीचे से नया क्यूटिकल आएगा, यही आप एक्टाइसिस एंड मोल्टिंग में पढ़ते हो बेटा. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, मेजरली एनसीईआरटी हमें इसे आर्थ्रोपोड्स में बताती है. ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा, मोल्टिंग या एक्टाइसिस. आगे देखो, वैसे तो मेटामॉर्फोसिस के टाइम जो स्पेस चाहिए होता है ना, उसके लिए ये होता है, जो स्पेस चाहिए होता है ग्रोथ का, उसके लिए मोल्टिंग या एक्टाइसिस होती है. और स्किन शेड करना, वो स्नेक्स रेप्टाइल्स में आपने पढ़ा था, स्किन कास्टिंग, स्किन शेड करते हैं. ये जो एक्टाइसिस और मोल्टिंग पढ़ रहे हो, ये डेवलपमेंटल स्टेजेस के टाइम आता है. ठीक है, लार्वा, कुछ कुछ लार्वा आपको याद रखनी है. मैगोट किसका लार्वा है? हाउस फ्लाई. क्रैब एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा बेटा, इसका लार्वा जोइया होता है. मोथ हो गया या बटरफ्लाई हो गया, इनका लार्वा कैटरपिलर होता है, ये तो हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा था. एक और लार्वा मैं आपको बताती हूँ, आप याद रखिएगा, मस्किटो का रिगलर है ना, मस्किटो भी हम याद रखेंगे बच्चे, रिगलर. ठीक है, बढ़िया. आगे देखिए, बीटल का ग्रब होता है वैसे, पर ठीक है, मैगट हाउस फ्लाई का लार्वा है और मस्किटो का रिगलर होता है. ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 76, किस पे आ गए आप? मोलस्क पे आ गए. इनकरेक्ट, सर्कल करो, मोलस्क के बारे में क्या इनकरेक्ट है? इनकी बॉडी पर एक कैलकेरियस शेल है और ये अनसेगमेंटेड है, सही है, सेगमेंटेशन नहीं होती. इनके पास फेदर लाइक गिल्स हैं जो एक्सक्रीशन और रेस्पिरेशन में मदद करते हैं. इनका जो इंटीरियर हेड पे हेड है उस पे से दो बड़े बड़े टेंटिकल्स होते हैं, सही बात है. ये ज़्यादातर टेरेस्ट्रियल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ए सिलोमेट होते हैं, बिटाइए ए सिलोमेट नहीं होते, ये ट्रू सिलोमेट कंडीशन शो करते हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा, ये इनकरेक्ट है.
ये इनकरेक्ट है. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 77, करेक्ट नेम आपको बताना है. स्कॉर्पियो प्रॉन लोलीगो एस्टेरियस, स्कॉर्पियो प्रॉन ऑक्टोपस ऑफ, ये किसका नाम लिया हुआ है मैं समझ नहीं पा रही हूँ, किसका आइडेंटिफिकेशन देना है आपको. अच्छा मुझे लग रहा है हमने अभी जो ये आर्थ्रोपोड वाला क्वेश्चन किया, जहाँ इन इस डायग्राम का कोई सेंस नहीं बन रहा था, इन्हीं डायग्राम के बारे में वहाँ पर पूछ रहे. अच्छा ठीक है, ये शिफ्टिंग हो गई होगी थोड़ी सी, ये शिफ्टिंग हो गई होगी थोड़ी सी, कोई 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 बात नहीं, हो जाता है. इसको हम ऐसा करते हैं, इसको हम ऐसा करते हैं, लेके चलते हैं और हमारे साथ इसको हम लेके चलते हैं और इस क्वेश्चन को हम फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं. देखो जरा दिख रहा है सबको, दिख रहा है सबको, अब बता दो मुझे ए बी सी डी. ए आपके पास क्या है, ये बिच्छू डंग मारने वाला स्कॉर्पियो. बी आपको दिख रहा है जी प्रॉन है. सी आपको दिख रहा है ऑक्टोपस है. और डी आपको दिख रहा है सेंट्रल डिस्क के साथ ऑफियोरा ब्रिटल स्टार. आंसर हो जाएगा बी. थोड़ा गड़बड़ हो गया मुझे लग रहा है कॉपी पेस्ट करते टाइम, कोई बात नहीं. क्वेश्चन वहां का है ना, वहां सिर्फ आर्थ्रोपोड के बारे में पूछा था. तो आंसर क्या होगा, बी. आंसर क्या होगा, बी. आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 78, फिर से असर्शन रीजन आ रहा है. गैस्ट्रोपोड बेटा, मोलस्क में, मोलस्क फाइलम में कुछ क्लासेस आ गए, जैसे सिफेलोपोड, गैस्ट्रोपोड. ठीक है, इस वर्ड का मतलब समझना. गैस्ट्रो हो गया ना आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएट होगा, और पोड यानी फीट होता है. ठीक है, तो गैस्ट्रोपोड में आर्म्स एंड मेंटल कैविटी इज प्लेस्ड. पहली बात तो ये मेंटल की स्पेलिंग गलत है, एम ए, वो पागल नहीं है, पागल वाला मेंटल नहीं है, ये वाला मेंटल है, ये वाला मेंटल है. ठीक है, भावनाएं समझनी है. अच्छा, दे आर प्लेस्ड एंटीरियरली ओवर दी हेड. मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं लेके जा रही क्योंकि हमें एनसीईआरटी लेवल पर ही रहना है, पर कुछ क्वेश्चंस अगर हमारा दिमाग लगवा रहे हैं तो कुछ कुछ कॉन्सेप्ट समझ लो. दो चीज मैं आपको बता रही हूँ, एक यहाँ पर क्वेश्चन ने गैस्ट्रोपोड पूछ लिया इसलिए गैस्ट्रोपोड बता रही हूँ, और एक सिफेलोपोड, ये नाम बहुत बार आ गया, ये बहुत बार आ गया इसलिए सिफेलोपोड लिख रही हूँ. ठीक है, दो चीजें मैं आपके सामने लिख रही हूँ, एक गैस्ट्रोपोड, दूसरा सिफेलोपोड. याद रखना सिफेलो सिफिलाइजेशन हेड, और गैस्ट्रो डाइजेस्टिव सिस्टम से एसोसिएटेड है. पोड मतलब फीट होता है. वो ऑर्गेनिज्म जहां पर एनस, जहां पर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम एंड हो रही है, एनस और मेंटल कैविटी डायरेक्टली इसके आर्म से जुड़े हो, डायरेक्टली हेड से जुड़े हो, है ना, वो आपका गैस्ट्रोपोड में चला जाता है. ठीक है, सिफेलोपोड में हम क्या बोलते हैं, हेड से सीधा आर्म्स अटैच्ड है, हेड से सीधा आर्म्स अटैच्ड है. देखो पहले यहाँ पर हेड से एनस मेंटल कैविटी अटैच है, वहां से आर्म्स आ जाएंगे. सिफेलोपोड में क्या होता है, हेड से सीधा सीधा आर्म्स अटैच है. इसके एग्जांपल में ऑक्टोपस आता है, ऑक्टोपस याद है, ऐसे हेड है और बस हेड से आर्म्स निकल रहे हैं, तो हेड से आर्म्स अटैच है, वो सिफेलोपोड में होता है. गैस्ट्रोपोड में आर्म्स हेड से अटैच नहीं होते, एनस होता है. तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया क्योंकि ये सिफेलोपोड के लिए सही है, गैस्ट्रोपोड के लिए नहीं. एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम गैस्ट्रोपोड में एक साइड में ज्यादा ग्रोथ होती है, फास्टर ग्रोथ होती है देन दी अदर साइड. इस अनइवन ग्रोथ की वजह से उसके अंदर के विसरल ऑर्गन पूरा घूम जाते हैं, टोर्शन लाते हैं, 180 डिग्री घूम जाते हैं, जिसकी वजह से इनके एडल्ट्स में एसिमेट्री मिलती है. बेटा ये सब चीजें हम पहले डिटेल में करते होते थे. ठीक है, मैं अगेन आपको बता रही हूँ एनसीईआरटी में इतना डिटेल डिस्कशन आपके पास नहीं है, तो आप चाहें तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, बट अब अगर आपने यहाँ पे रीड कर लिया तो ऐसा होता है, गैस्ट्रोपोड में ऐसा होता है, पूरा सिस्टम अंदर से ऑर्गन घूम जाता है, टोर्शन है, सिमेट्री है नहीं, एसिमेट्रिकल है. और सिफेलोपोड में फीट आपके हेड से जुड़े हैं, आर्म्स आपके हेड से जुड़े हैं, गैस्ट्रोपोड में एनस आपके हेड से जुड़ा है. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जी हमारे पास गलत हो गया, लेकिन ये स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट है, ऐसा होता है जिसकी वजह से ये टोर्शन आता है. तो एसर्शन फॉल्स है लेकिन रीजन ट्रू है, आंसर इसका डी होगा. लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर आपके लिए मार्क कर दे रही हूँ कि ठीक है, इतना डायरेक्ट आपके पास एनसीईआरटी में नहीं रह रहा. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 79, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 79 हमें. असर्शन, इन मोलस्क फेदर लाइक गिल्स आर प्रेजेंट इन द मेंटल कैविटी. बिल्कुल उस कैविटी में फेदर लाइक गिल्स होते हैं, वो गिल्स रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन के फंक्शन में मदद करते हैं. बिल्कुल स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. ठीक है, स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. तो आंसर क्या हो जाएगा, बी. आंसर क्या हो जाएगा, बी. देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 80, आई होप अब ठीक रहे, लैग ना करे. चलो फटाफट से हम कंप्लीट कर लेते हैं.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट्स द इनकरेक्ट फीचर ऑफ इकाइनोडर्मेटा. फिर से आपसे इनकरेक्ट फीचर ही पूछ रहे हैं बेटा. तो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सिलोमेट एनिमल. ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सिलोमेट है, सब मरीन है और सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. ये आपको पता है नहीं है, इनके अंदर आपके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है. सेल्युलर लेवल नहीं है, ऑर्गन सिस्टम लेवल है. एंडोस्केलेटन कैलकेरियस ऑसिकल्स का बना हुआ है. एंडोस्केलेटन कैलकेरियस स्पाइंस का बना हुआ है, ऑसिकल्स का बना हुआ है. ये बात सही है. तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपके पास बी हो जाएगा. ठीक है, आगे देखें. क्वेश्चन नंबर 81. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम इन इकाइनोडर्म्स. इकाइनोडर्म्स में जो वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम है, तो एनसीईआरटी आपकी लिखती है सीधा सीधा कि लोकोमोशन, रेस्पिरेशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड सब में मदद करती है. आंसर ऑल ऑफ दीज जाएगा. ठीक है, आगे देखो. क्वेश्चन नंबर 82. करेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको स्टारफिश के लिए. ठीक है, इकाइनोडर्मेटा की बात हो रही है, स्टारफिश की बात हो रही है. सेक्सेस सेपरेट है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल है. जी हाँ, ठीक है, मोनोशियस है. अच्छा, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है, फ्री स्विमिंग लार्वा है. जी हाँ, माउथ जो है इट इज प्रेजेंट ऑन दी अपर डोर्सल साइड एंड एनस ऑन दी लोअर वेंट्रल साइड. ये गलत बात है, ये गलत स्टेटमेंट है. एनसीईआरटी में लिखा हुआ है माउथ वेंट्रल साइड पर होता है और एनस लोअर साइड पर होता है, तो ये गलत हो गया. इनकी बॉडी पर जो लाइक स्ट्रक्चर है जिसे आप ओरल आर्म्स कहते हो बेटा, आपके स्टार फिश की पूरी बॉडी पर, आपकी इकाइनोडर्मेटा की पूरी बॉडी पर कुछ जो लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें पेडिसिलेरी बोलते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और डेब्रिस को क्लियर करने का काम करते हैं, उसको खा जाते हैं. ठीक है, ओरल आर्म्स नहीं होते वो. तो ये स्टेटमेंट गलत है. तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके पास 1, 2 है. ठीक है, 3 आपके पास इनकरेक्ट है. 3 वाले सारे ऑप्शन ऐसे ही कट कर दो. अब हमारे लिए आंसर ये बचता है, पर आप एक अलग ऑप्शन डालो बेटा और उसमें लिखो 1 और 2 और वो आपका सही आंसर होना चाहिए. 1 और 2 ही करेक्ट स्टेटमेंट है. यहाँ पर अगर आप मुझे मोस्ट करेक्ट चूज करना होता तो मैं इसको चूज करती बच्चे, पर आंसर नहीं है वो, है ना. 4th इनकरेक्ट है. पेडिसिलेरीज होते हैं जो लाइक स्ट्रक्चर. ओरल आर्म्स तो उसकी आर्म्स है, वो जो लाइक स्ट्रक्चर उसके सर्फेस पर जो प्रेजेंट है वो नहीं है. आगे देखें. क्वेश्चन नंबर 83. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डज नॉट अंडरगो मेटामॉर्फोसिस. लार्वा से एडल्ट का बनना स्टेजेस आती है मेटामॉर्फोसिस. मोथ में देखने को मिलता है, ट्यूनिकेट यानी यूरोकॉर्डेटा में देखने को मिलता है, स्टारफिश में देखने को मिलता है, अर्थवर्म में नहीं मिलता. याद रखना आपका अर्थवर्म और ग्रास होपर ये 2 मेजर एग्जाम्पल दिए जाते हैं जिनमें आपको मेटामॉर्फोसिस देखने को नहीं मिलता. ठीक है, आगे देखो. क्वेश्चन नंबर 84. आपको करेक्ट स्टेटमेंट देना है, आपको ऑर्गेनिजम्स दे रखे हैं. पहला डायग्राम देख के आप पहचान पा रहे हैं ये फेजियोला लिवर फ्लूक है. फिर ये आपके पास नेरीज है, एक्वेटिक एनेलिडा. ये आपके पास ऑक्टोपस है, मोलस्का. और ये आपके पास एस्टेरियस है, स्टारफिश. ठीक है, अब देखो ये सारे एनिमल्स एक्वेटिक है और फ्री लिविंग है. ठीक है, आप एक्वेटिक मान लीजिए, पर फ्री लिविंग बेटा आपका फेजियोला एंडोपैरासाइट है. एंडोपैरासाइट है, फ्री लिविंग नहीं है. फ्री लिविंग नहीं है तो ये गलत हो जाएगा. इन सब में ट्रू सिलोम है. फिर से फेजियोला, फेजियोला में ट्रू सिलोम नहीं होता, है ना, एसिलोमेट कंडीशन है. ए के पास रेडियल सिमेट्री है, गलत. प्लेटीहेलमिंथेस के पास बायलेटरल सिमेट्री होती है, रेडियल नहीं. ए मोनोशियस है, रिमेनिंग डायोशियस है. फेजियोला मोनोशियस है बिल्कुल. प्लेटीहेलमिंथेस में शिस्टोस्टोमा को छोड़कर सारे एग्जाम्पल मोनोशियस होते हैं. उसके सिवा नीरिस डायोशियस है, ऑक्टोपस डायोशियस है, एस्टेरियस डायोशियस है. तो आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा. आगे देखो 85. फिर से आपको हेमिकॉर्डेटा के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. ठीक है, तो हेमिकॉर्डेटा बायलिटरली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट है. जी हाँ, इनमें सर्कुलेशन ओपन टाइप का होता है. जी हाँ, इनमें सेक्सेस सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, बिल्कुल एक्सटर्नल है. डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है. जी हाँ, क्योंकि लार्वा भी प्रेजेंट है. तो कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा. इनमें से कौन सा फीचर हेमिकॉर्डेटा में नहीं होता? हेमिकॉर्डेटा के पास स्टोमोकोड या बक्कल डाइवर्टिकुलम होता है उसके कॉलर रीजन में. ये एक वर्म लाइक बॉडी है, इसके पास गिल्स प्रेजेंट है रेस्पिरेशन के लिए. सारी ही चीजें हैं आपसे पूछ रहे हैं क्या नहीं है बेटा. ऑल ऑफ दीज नहीं, यहाँ नन ऑफ दीज होना चाहिए था फिर से, कि ऐसा कौन सा है जो उसके पास नहीं है. इसमें से कोई भी नहीं, सब चीजें हैं. तो आंसर नन ऑफ दीज जाएगा. ठीक है, आगे देखो. क्वेश्चन नंबर 87. एक करेक्ट क्लासिफिकेशन देना है गिवन एनिमल. अब एनिमल आपको दे नहीं रखा, डायग्राम यहाँ है नहीं, क्योंकि हम हेमिकॉर्डेटा सॉल्व कर रहे हैं. तो या तो इसको हेमिकॉर्डेटा कंसीडर कर लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन क्या हो जाएगा कि ये नॉन कॉर्डेटा के हेमिकॉर्डेटा में आ रहा है. वैसे कोई एनिमल यहाँ पर हमको दे नहीं रखा है ना. आगे देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 88. बेलेनोग्लॉसिस हेमिकॉर्डेटा होता है. बॉडी किस में डिवाइडेड है हेमिकॉर्डेटा की? एक प्रोबोसिस होता है, एक कॉलर होता है और एक ट्रंक होता है ना. 3 पार्ट्स होते हैं, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक. ठीक है, वर्म लाइक बॉडी होती है. आगे देखो 89. एन इम्पॉर्ट
एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक दैट हेमीकॉर्डेट्स शेयर विद कॉर्डेट्स. हेमीकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बीच में सिमिलर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बताओ. एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड नहीं हो सकता बिकॉज कॉर्डेटा के पास तो नोटोकॉर्ड होती है. वेंट्रल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड सेम नहीं है बेटा, है ना. हेमीकॉर्डेटा के पास वेंट्रल और डोर्सल दोनों नर्व कॉर्ड होती है, पहले तो ये बात याद रखना. दूसरी बात, अगर आप कह रहे हो हेमीकॉर्डेटा की वेंट्रल ट्यूब या वेंट्रल नर्व कॉर्ड, तो कॉर्डेटा के तो नर्व कॉर्ड डोर्सल है, तो ये सेम फीचर नहीं है. इनके फेरिंग्स में गिल स्लिट्स होते हैं और ये कॉर्डेट का भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. तो ये एक सिमिलर फीचर है जो आपको हेमीकॉर्डेटा में भी देखने को मिल जाएगा, कॉर्डेटा में भी देखने को मिल जाएगा. बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है. दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो आपको इन दोनों में सेम मिलता है, नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर. इनके पास स्टोमोकॉर्ड है विच इज अ नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, है ना. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 890. अब हम किस पे आ गए हैं, कॉर्डेट्स पे आ गए. इनमें से कौन सा कॉर्डेट में नहीं मिलता, नोट फाउंड. अच्छा, कॉर्डेट में एक डोर्सल होलो नर्व कॉर्ड होती है, पेयर्ड गिल स्लिट्स होते हैं डेवलपमेंट के टाइम, किसी ना किसी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में नोटोकॉर्ड होगा ही होगा, एक एक्सटर्नल स्केलेटन. अब जनरली आपको इंटरनल स्केलेटन देखने को मिल जाएगा, तो ठीक है ना. हर के अंदर या कैरेक्टरिस्टिक फीचर के अंदर एक्सटर्नल स्केलेटन नहीं देखने को मिलता, यही आंसर हो जाएगा. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 91. ये सब जनरल कैरेक्टर है कॉर्डेटा का. ये डायग्राम एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आपको ए बी सी डी पहचानना है. इन्होंने जो लाइन है वो पूरी मार्क नहीं की है, मैं इसको थोड़ा आगे तक कर देती हूँ ताकि हम एटलीस्ट एक आंसर तो बना पाए. और बी को मैं थोड़ा आगे तक लेके जा रही हूँ यहाँ पे, सी को मैं यहाँ पर लेकर जा रही हूँ, और डी तो आपके सामने है ही. तो बता दो, सबसे पहले ये जो आपको रोड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपके पास क्या है, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपके पास क्या है, ये पेयर्ड स्लिट्स कौन से हैं और ये क्या है. तो डी आपको पता है आपके पास पोस्ट एनल टेल है ना, तो ये ऑप्शन आपके पास कट हो गया. सी जो है आपके पास वो गिल स्लिट्स है, इसीलिए ये ऑप्शन भी आपके पास कट हो गया. अब कौन सा नर्व कॉर्ड है और कौन सा नोटो कॉर्ड है, तो ये जो पीछे आपको दिखाई दे रहा है ये नर्व कॉर्ड है, और इसके नीचे रोड लाइक मेसोडर्मल स्ट्रक्चर है जिसे नोटो कॉर्ड कहते हैं. ये जो आपको डोर्सल होलो दिखाई दे रहा है ये नर्व कॉर्ड है, अंदर से होलो है ना, ये नर्व कॉर्ड है. तो आंसर बी होगा बेटा, ए नर्व कॉर्ड है, बी नोटो कॉर्ड है, सी गिल स्लिट्स है, डी पोस्ट एनल टेल है. ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 92. आपको इनकरेक्ट बताना है वर्टिब्री के बारे में, वर्टिब्रेट्स के बारे में. वर्टिब्रेट्स में वेंट्रल मस्क्यूलर हार्ट होता है, सामने की तरफ दिल होता है, किडनीज एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए होती हैं, पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं, वो पेयर्ड अपेंडेजेस फिन्स भी हो सकते हैं, लिम्ब्स भी हो सकते हैं, सारी करेक्ट है, कुछ भी इनकरेक्ट नहीं है. नन ऑफ दीज इज इनकरेक्ट, आंसर डी होगा, नन ऑफ दीज इज इनकरेक्ट. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 93. फ्लो चार्ट दे रखा है सब फाइलम वर्टिब्रेटा का, आपको बताना है बेटा. वर्टिब्रेटा को आप दो में डिवाइड करते हो, अग्नेथा और गनेथोस्टोमेटा. अग्नेथा यानी जो नहीं है, इसके अंदर आती है क्लास आपकी साइक्लोस्टोमेटा. जिनमें जोज होते हैं वो होते हैं गनेथोस्टोमेटा. गनेथोस्टोमेटा को आप दो में डिवाइड करते हो, दो क्लासेस में आप डिवाइड करते हो. कौन कौन सी, एक आपके पास सुपर क्लास, दो सुपर क्लास आती है, एक है पाइसिस, दूसरी है टेट्रापोडा. पाइसिस सुपर क्लास में दो क्लास है, कॉन्ट्रिक्थीस ऑस्टिक्थीस, और टेट्रापोडा में आराम है, एम्फीबियन रेप्टाइल्स एव्स और मैमल्स. ठीक है, तो आपके पास ए क्या है साइक्लोस्टोमेटा, बी क्या है पाइसिस, सी क्या है टेट्रापोडा, आंसर होगा बी. ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 94. आपको करेक्ट डिफरेंस बताना है नोटोकॉर्ड के बीच में यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा में. ये दोनों क्या है बेटा, ये दोनों सब फाइलम है ना. ये आपके पास प्रोटोकॉर्डेटा डिवीजन के अंदर आने वाली दो सब फाइलम्स है. तो आपके पास एक यूरोकॉर्डेटा, दूसरी सेफेलोकॉर्डेटा. यूरोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड सिर्फ लार्वा में होता है, सेफेलोकॉर्डेटा में हेड से टेल तक होता है. सही बात है, यूरोकॉर्डेटा में लार्वा में होता है बेटा, एडल्ट में नहीं, और इसमें पूरी लाइफ साइकिल में होता है. इसमें क्या थ्रू आउट द लाइफ परसिस्टेंट होगा नोटोकॉर्ड, यूरोकॉर्डेटा में नहीं बेटा, सिर्फ लार्वा में होता है और इसमें थ्रू आउट द लाइफ होता है. हेड टू टेल यहाँ पर नहीं होता, ऐसा सेफेलोकॉर्डेटा में होता है. तो ऑफकोर्स आंसर आपके पास क्या चला जाएगा, ए. आंसर क्या चला जाएगा, ए. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 95. लैंडस्लेट्स की बात की है, एम्फीऑक्सिस लैंडस्लेट्स, ये सेफेलोकॉर्डेटा का एग्जाम्पल है आपके पास. क्या ये जोलेस प्रिमिटिव फिश है बेटा, जोलेस प्रिमिटिव फिश साइक्लोस्टोमेटा होती है जिसमें पेट्रोमाइजोन और मिक्सीन आता है, लैंडस्लेट नहीं आता, ये गलत हो जाएगा. लैंडस्लेट में नोटोकॉर्ड, ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड और फेरिंजियल गिल्सलेट्स प्रेजेंट होंगे थ्रू आउट देयर लाइफ. बेटा लैंडस्लेट्स आप पढ़ते हो सेफेलोकॉर्डेटा में. अब सेफेलोकॉर्डेटा में आपको पता है नोटोकॉर्ड थ्रू आउट द लाइफ है ना, नोटोकॉर्ड नर्व कॉर्ड ये सब इनके अंदर, खैर सारे कॉर्डेट कैरेक्टर्स थ्रू आउट द लाइफ रहते हैं. तो ये आपके पास करेक्ट है. तो आप क्या कह रहे हो कि वन करेक्ट नहीं है, टू करेक्ट है, आंसर बी हो जाना चाहिए, आंसर बी हो जाना चाहिए. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 96. क्वेश्चन नंबर 96, इनमें से कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन दे रहा है बिना किसी भी एक्सेप्शन के, एक भी एक्सेप्शन ना हो. ठीक है, अच्छा देखो जरा,
मैमल्स के पास मैमरी ग्लैंड होता है, होता है। इनकी पूरी बॉडी पर हेयर होता है, होता है। इनके पास पिन्ना है, दो पेयर लिम्ब्स हैं मेजरली, हाँ जी हैं। कॉन्ट्रिक्थीज का माउथ वेंट्रल है, गिल्स में ऑपरक्यूलम नहीं है, स्किन में प्लेकोइड स्केल्स है, परसिस्टेंट नोटोकॉर्ड है, बिल्कुल सही बात है। साइक्लोस्टोमेटा में सकिंग एंड सर्क्यूलर माउथ होता है, जोज एब्सेंट है। इंटेग्यूमेंट्स में स्केल्स नहीं है, पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं है बेटा, पेयर्ड फिन्स या पेयर्ड स्केल्स इनके अंदर नहीं होते है ना, तो पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं है, गलत हो गया। एब्स में बॉडी में फेदर है, स्किन मॉइस्ट नहीं है, स्किन ड्राई है, ग्लैंड्स नहीं होते ना, ग्लैंडुलर नहीं है तो स्किन ड्राई है। लंग्स हैं, एयर सैक्स हैं, फोर लिम्ब्स से विंग्स बन रहे हैं, बाकी सब सही है, लेकिन वैसे ये गलत है। ठीक है, अब देखो आपको ये भी करेक्ट लग रहा है, आपको ये भी करेक्ट लग रहा है, आप मोस्ट करेक्ट कैसे चूज कर सकते हो बच्चे। अभी ये बात मैमल्स में नहीं पढ़ाई जाती, पर पहले हम पढ़ते थे प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया, है ना। तो उनके अंदर बेटा आपके प्रोटोथीरिया के पास एक्सटर्नल पिन्ना नहीं था, है ना। तो उस बेसिस पर आप कह सकते हो कि हर मैमल में, कोई भी एक्सेप्शन नहीं देना, तो मैमल में तो मुझे एक्सेप्शन मिल गया प्रोटोथीरिया का, तो फिर मेरे को इसको इनकरेक्ट मानना पड़ेगा और मोस्ट करेक्ट मुझे ये देना पड़ेगा। वैसे जनरली अभी जो आप एनसीईआरटी में पढ़ते हो, ये सब कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और ये है मैमल्स के पास, पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे मिल जाएंगे बेटा जहां पर ये प्रेजेंट नहीं है, कुछ एग्जाम्पल्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जहां पर ये प्रेजेंट नहीं है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 97। अमंग दी फॉलोइंग एडिबल फिशेस विच वन इज मरीन फिश हैविंग रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये हमने ना 12th में जब हम स्ट्रेटजीज वाला लेसन कर रहे थे, हमने वहां पर भी देखा है आपकी एडिबल फिश, मरीन फिश का एग्जाम्पल, वहां पर भी मैंने आपको मैकरल बताया था, एग्जाम्पलर में हमने सॉल्व किया, शायद मुझे ऐसा याद आ रहा है एग्जाम्पलर में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, मैकरल था, वही वही सेम क्वेश्चन आपके पास आया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 98। इनमें से कौन सी कार्टिलेजिनियस फिश नहीं है बेटा, कौन सी कार्टिलेजिनियस फिश नहीं है। कैरकैरोडोन, शार्क और स्टिंगरे कार्टिलेजिनियस होती हैं। एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश, कतला कतला, क्लेरियस मगूर, ये बोनी फिशेस है बेटा। उसमें से एक्सोसीटस है ना आपके पास मरीन होती है, कतला और क्लेरियस फ्रेश वाटर होती है, बट वो बोनी है, कार्टिलेजिनियस नहीं है। स्कोलियोडोन और प्रिस्टिस तो आपके पास कार्टिलेजिनियस है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 99। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं बोनी फिशेस के, आपको ओड वन आउट बताना है एज मरीन बोनी फिश, कौन सा, यानी कि मरीन बोनी फिश में ओड वन आउट है, यानी नहीं है आई गेस। तो मरीन फिश आपका फ्लाइंग फिश, एक्सोसीटस, एक्सोसीटस आपका हिप्पोकैम्पस, ये दोनों मरीन है, दोनों ही मरीन है, तो ऑड वन आउट क्या हो गया, लेबियो कतला क्लेरियस, क्योंकि ये फ्रेश वाटर है, क्योंकि ये फ्रेश वाटर है, तो ये ऑड वन आउट हो जाएंगे, है ना। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100। इनमें से कौन सा कॉन्ट्रिक्थीस का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। इनमें गिल स्लिट सेपरेटेड होते हैं और ऑपरक्यूलम नहीं होता, ये बात तो सही है। ये प्रिडेशियस होते हैं, इनके जोज पावरफुल है, ये बात सही है। इनका नोटोकोड परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ होता है, बात सही है। एयर ब्लैडर इनमें नहीं है, इसलिए इनको कंटिन्यू स्विम करना पड़ता है, बायोन्सी देने के लिए एयर ब्लैडर नहीं है, कंटिन्यूसली स्विम करना पड़ता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 101। इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक ऑलवेज होल्ड ट्रू फॉर द करस्पॉन्डिंग ग्रुप ऑफ एनिमल्स, कौन सा एकदम करेक्ट है आपको बताना है। अच्छा, वीवी पेरिस मेमेलिया पोजेस द माउथ विद अपर एंड लोअर जो कोर्डेटा। अच्छा, यहाँ पर हाइफन होना चाहिए बेटा, हाइफन होना चाहिए यहाँ पर, देखो ऐसे मैमल्स में बता रखे हैं वीवी पेरस और आपको बताना है फॉर द करस्पॉन्डिंग। अच्छा ठीक है, मैमल्स वीवी पेरस होते हैं, मैक्सिमम वीवी पेरस होते हैं, इनके पास माउथ है विद अपर एंड लोअर जो कोर्डेटा। अब देखो एक्सेप्शन मिल जाएगा, बिना जोज वाले अग्नेथा साइक्लोस्टोमेटा भी है, मैमल्स भी सारे वीवी पेरस नहीं होते है ना। अच्छा, थ्री चेम्बर्ड हार्ट विद वन इनकम्प्लीटली डिवाइडेड वेंट्रिकल, ठीक है, आपको रेप्टीलिया में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक्सेप्शन फिर मिल जाएगा, क्रोकोडाइल फोर चेम्बर्ड होता है और कार्टिलेजिनियस एक्सोस्केलेटन एंडोस्केलेटन कॉन्ट्रिक्थीस का होता है, ये बिना एक्सेप्शन के सही बात है बेटा, आंसर डी हो जाएगा। बाकी सब में आपको कहीं ना एक एक एक्सेप्शन देखने को मिल जा रहा है, जैसे मैमल्स आपको पता है ओवीपेरस भी होते हैं, है ना, कॉर्डेट में बिना जोज वाले साइक्लोस्टोमेटा भी होते हैं, साइक्लोस्टोमेटा भी होते हैं, और रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल एक्सेप्शन आ जाएगा जिसमें फोर चेम्बर्ड हार्ट है। आगे देखो 102, बोनी फिशेस। बोनी फिशेस ओवी पेरस होती हैं मोस्टली, डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आपको देखने को मिलता है, तो क्या होगा, ये सारे ही स्टेटमेंट सही हैं बोनी फिशेस के बारे में। वीवी पेरस ज़्यादातर कार्टिलेजिनस होती हैं, ये ओवी पेरस होते हैं, लार्वा है नहीं, डायरेक्ट डेवलपमेंट है और एक्सटर्नल ही फर्टिलाइजेशन है, ऑल ऑफ दिस आ जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 103। बोनी फिशेस एक पर्टिकुलर डेप्थ पे रहती हैं पानी के बिना एनर्जी, एनर्जी जो बात आ गई ना बेटा, क्योंकि इनको लगातार अपना जो फिन है उसको फ्लैप नहीं करना, इनको, इनके पास एयर ब्लैडर है, ये फ्लोट कर सकते हैं, तो इनको लगातार एनर्जी की जरूरत नहीं है क्योंकि इनके पास एयर ब्लैडर्स या स्विम ब्लैडर्स होते हैं, तो आंसर डी हो जाएगा।
आंसर डी हो जाएगा. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 104 इनकरेक्ट, इसको सर्कल करो. कार्टिलेजिनियस और बोनी फिशेस दोनों डायोशियस होती है, मतलब मेल और फीमेल आपको अलग अलग देखने को मिल जाएगा जनरली पहचानने में, ठीक है. फिर आपसे क्या कह रहे हैं, कार्टिलेजिनियस फिशेस सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो करती हैं, इनमें मेल कार्टिलेजिनियस फिशेस के पास क्लास्पर होता है, फीमेल कार्टिलेजिनियस फिशेस के पास क्लास्पर होता है. देखो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट नहीं हो सकते और यही इनकरेक्ट है, दोनों के पास क्लास्पर नहीं होता, मेल कार्टिलेजिनियस के पास क्लास्पर होता है, तभी आप कार्टिलेजिनियस फिशेस में मेल और फीमेल को अलग बाहर पहचान सकते हो. होती डायोशियस है, मेल गैमेट अलग फिश बना रही है, फीमेल गैमेट अलग फिश बना रही है, डायोशियस है नो डाउट, ठीक है. उसमें से कार्टिलेजिनियस फिशेस सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म शो करती हैं क्योंकि मेल के पास क्लास्पर है और फीमेल के पास नहीं है, कॉपुलेशन के टाइम फीमेल फिश को होल्ड करने के लिए होता है. ये याद रखना एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, फीमेल कार्टिलेजिनियस फिश के पास क्लास्पर नहीं होते, ठीक है. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 105, आपको डायग्राम दे रखा है. ये जो है आपके पास ये सेलामेंडर है, ये सेलामेंडर है जो आपने एम्फीबियन में पढ़ा है. ये आपके पास गिरगिट है, कैमिलियन है जो कि आपकी ट्री लिजर्ड होती है जो हम रेप्टाइल में पढ़ते हैं. तो एक सेलामेंड्रा है, दूसरा कैमिलियन है, जी हाँ दोनों रेप्टाइल हैं, नहीं दोनों में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, नहीं रेप्टाइल में इंटरनल होती है. एक का टू चेम्बर्ड हार्ट है, दूसरे का थ्री नहीं, दोनों का थ्री चेम्बर्ड हार्ट है. एक क्योंकि एम्फीबियन है उसमें भी थ्री चेम्बर्ड ही होता है, तो आंसर ए हो जाएगा बेटा, आंसर आपके पास ए हो जाएगा. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 106, आपको फिर से इनकरेक्ट बताना है इसके बारे में. ये फ्रोग है आपके पास, राना है, इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है बेटा. ये एम्फीबियन है, क्लोएका इसमें है, डायोशियस एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ओवीपेरस एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. अच्छा, बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, ये बात सही है. आईज आर विदाउट आईलिड्स, ये गलत हो गया, आईलिड्स प्रेजेंट है, इनके पास आईलिड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. और बिल्कुल ये डायोशियस है, मेल और फीमेल अलग अलग है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, एग ले करते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, टैडपोल है ना, तो बिल्कुल सही बात है, यही इनकरेक्ट है क्योंकि इनके पास आईलेट्स होती हैं, आईलेट्स इनके पास होती हैं. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 107, इनमें से कौन होम्योथर्म नहीं है. बेटा बर्ड्स और मैमल्स को छोड़ के कोई भी होम्योथर्म नहीं होता. ये मैमल है, ये मैमल है, ये रेप्टाइल है और ये बर्ड है, सिटेक्यूला पैरेट आपके पास आ गया. तो क्योंकि ये रेप्टाइल है ये होम्योथर्म नहीं हो सकता, आंसर बी हो जाएगा. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 108, कौन सा वर्टिब्रेट ग्रुप है जिसके पास क्रोप और गिजर्ड है डाइजेस्टिव सिस्टम में. बेटा एप्स, एप्स के पास क्रोप और गिजर्ड होता है और कॉकरोच के पास क्रोप और गिजर्ड होता है, इसको याद रखना. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 109, विच अमंग दीज इज करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेटिक मैमल्स, एक्वेटिक मैमल्स, शार्क फिश है, ट्राइगोन फिश है, ट्राइगोन फिश है. आंसर क्या होगा, व्हेल्स, डॉल्फिन एंड सील्स. ये तीनों मैमल्स हैं और एक्वेटिक है, आंसर सी होगा. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 110, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक बर्ड्स और मैमल्स शेयर नहीं करते. दोनों के पास लंग्स है, दोनों वीवी पेरस है, नहीं है, बर्ड्स तो अंडे देती है ना, ओवी पेरस होती है, दोनों वार्म ब्लडेड है, दोनों के पास ऑसिफाइड एंडोस्केलेटन है, बी हो जाएगा. आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा. आगे देखो 111, कौन वीवी पेरस नहीं है. ये सब मैमल्स हैं, पहली बात, दो मैमल्स के एग्जांपल याद रखना जो वीवीपेरस नहीं होते, इकाइडना स्पाइनी एंटीटर और निथोरिंकस जिसे डक बिल्ड प्लैटिपस कहते हैं, बाद में कई बार लिखवा चुकी हूँ, मैं दोबारा लिखवा रही हूँ. दो एग्जांपल आपके पास, एक इकाइडना जिसे स्पाइनी एंटीटर कहते हैं, जिसे स्पाइनी एंट ईटर कहते हैं, और दूसरा ऑर्निथोरिंकस, और दूसरा ऑर्निथोरिंकस जिसे डक बिल्ड प्लैटिपस कहते हैं. ये दोनों मैमल्स होने के बावजूद एग ले करते हैं, ओवीपेरस होते हैं, इनको याद रखना. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 112, आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, किस एनिमल के पास फोर चेम्बर्ड हार्ट है. बेटा एम्फीबियन के पास थ्री चेम्बर्ड होता है ना, अच्छा, टर्टल्स के पास थ्री चेम्बर्ड है, लिजर्ड्स के पास थ्री चेम्बर्ड है, लिजर्ड्स के पास थ्री चेम्बर्ड है, आंसर भी हो जाएगा. बर्ड्स, मैमल्स, रेप्टाइल का एक्सेप्शन क्रोकोडाइल, इन सब के पास फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 113, कौन सा एनिमल है जिसके पास नॉन ग्लैंडुलर स्किन है. आपके रेप्टाइल्स, आपके रेप्टाइल्स, ये भी हमने सॉल्व किया है एग्जाम्पलर में, ही हमने सॉल्व किया है एनिमल किंगडम के, कैमिलियन एंड टर्टल, एकदम नॉन ग्लैंडुलर ड्राई स्किन है इनके पास, एकदम नॉन ग्लैंडुलर. फ्रोग, एम्फीबियन आ गया ना, आंसर नहीं हो सकता. टाइगर मैमल है, उसके पास ग्लैंड है, ठीक है, फ्रोग आ गया इसलिए नहीं हो सकता, आंसर डी होगा. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 114, इनमें से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो बर्ड्स और मैमल्स दोनों शेयर करते हैं, ठीक है. अच्छा देखो, पहली बात तो सीधा सीधा आंसर वार्म ब्लडेड बॉडी है, ये भी हमने एग्जाम्पलर में देखा है, दोनों वार्म ब्लडेड होते हैं.
पिगमेंट दोनों के पास नहीं है, न्यूमेटिक बोन सिर्फ बर्ड्स के पास है, विविपेरिटी सिर्फ मैमल्स के पास है, तो आंसर डी चला जाएगा, वॉर्म ब्लडेड। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 115 क्या कह रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू सिंगल टेक्सोनोमिक ग्रुप, ये भी हमने एग्जाम्पलर में सॉल्व किया है। मैन, मंकी और चिंपैंजी तीनों प्राइमेट हैं, मैमल्स हैं, तीनों प्राइमेट है, बिल्कुल सही बात है। कटल फिश आपका स्क्विड हो गई है ना, कटलफिश सीपिया हो गई, सॉरी सीपिया हो गई, तो कटलफिश मोलस्क है। जेलीफिश आपके पास सिलेंट्रेटा ओरिलिया है, सिल्वर फिश लेपिस्मा आर्थ्रोपोडा है, डॉग फिश स्कोलियोडोन कॉन्ड्रिकथीस है, स्टार फिश एस्टेरियस इकाइनोडर्मेटा है, सारा अलग अलग फाइलम है, तो ये तो सेम नहीं है। बैट मैमल होता है बेटा, बटरफ्लाई आर्थ्रोपोड है, इंसेक्ट है, और पीजन एव्स है, ये भी सेम नहीं है। सिल्क वॉर्म इंसेक्ट है, टेप वॉर्म प्लेटीहेलमिंथेस है, अर्थ वॉर्म एनेलिडा है, ये भी सेम नहीं है, आंसर होगा ए। ये सेम टेक्सोनोमिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं, सारे प्राइमेट्स हैं, सारे मैमल्स हैं। आगे देखो 116 आपके पास मैच द फॉलोइंग आ रहा है। साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लोस्टोमेटा अग्नेथा है, जोलेस होते हैं। एव्स की अगर मैं बात करूँ तो एव्स टेट्रापोड में आ रहा है। ट्यूनिकेटा यूरोकॉर्डेटा का दूसरा नाम है, बेलिनोक्लोसस हेमिकॉर्डेटा है, और पाइसिस में दो क्लास आती है, कॉन्ड्रिकथीस और ऑस्टिकथीस। तो देखो जरा आंसर क्या होगा, 3, 5, 2, 1, 4, यानी कि सी आंसर होगा सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 117 आपको पेट्रोमाइजोन के लिए क्या इनकरेक्ट है वो बताना है। ओके, पेट्रोमाइजोन किस में आ रहा है, साइक्लोस्टोमेटा में आ रहा है। इसमें क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेजिनस होती है, एनसीईआरटी का पॉइंट है। ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है, पर ये स्पोनिंग के लिए सी वाटर में जाते हैं, गलत बात है बेटा, ये एनाड्रोमस माइग्रेशन शो करते हैं, यानी ये सी वाटर में रहते हैं पर ये स्पोनिंग के लिए फ्रेश वाटर में आते हैं, पर ये स्पोनिंग के लिए फ्रेश वाटर में आते हैं, तो ये गलत हो गया। अच्छा, स्पोनिंग के कुछ दिन बाद यानी एग ले करने के बाद इनकी डेथ हो जाती है, जी हाँ, इनके लार्वा फिर मेटामॉर्फोसिस करते हैं, एडल्ट बनाते हैं, वापस ओशन में जाते हैं, जी हाँ, यही पूरा माइग्रेशन है, ये इनकरेक्ट है, आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, ये आपके पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। आगे देखो 118 आपको मैच करना है और करेक्ट बताना है। पेट्रोमाइजोन बाकी फिशेस पे एक्टोपेरासाइट होता है, ये साइक्लोस्टोमेटा को बिलोंग करता है, जी हाँ। इक्थियोफिस लिम्बलेस एम्फीबियन होता है, रेप्टाइल नहीं है। लिमलिस किंग क्रैब है, आर्थ्रोपोड है, तो काइटिन का एक्सोस्केलेटन, ये पाइसिस नहीं है, आर्थ्रोपोड है। एडेम्सिया सी एनिमोन है, तो रेडियल सिमेट्री है, बट ये सिलेंट्रेट है, पोरीफेरा नहीं है, आंसर ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। आगे देखो इनकरेक्ट बताना है कॉर्डेटा फाइलम की सब फाइलम के बारे में। कॉर्डेटा फाइलम में सब फाइलम तीन आती हैं, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, हेमिकॉर्डेटा नहीं आती बेटा, हेमिकॉर्डेटा नहीं आती, हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा है ही नहीं, नॉन कॉर्डेट है, ये कॉर्डेटा है ही नहीं, ये नॉन कॉर्डेट है, ये कॉर्डेटा है ही नहीं, ये नॉन कॉर्डेट है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 120 क्या कह रहे हैं। प्रोटोकॉर्डेट, प्रोटोकॉर्डेट में यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट दोनों आते हैं, दोनों एक्सक्लूसिवली मरीन है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। दे हैव नोटोकोड थ्रू आउट देयर लाइफ, बेटा यूरोकॉर्डेटा में तो सिर्फ लार्वा में होती है, थ्रू आउट लाइफ नहीं होती, पर बाकी दोनों ऑप्शन करेक्ट है। अब वैसे अगर प्रोटोकॉर्डेट में बोले तो एक प्रोटोकॉर्डेट तो है ना जिसमें थ्रू आउट द लाइफ है, तो आप यहाँ पर ऑल ऑफ दीज बोल सकते हो, बाकी दोनों स्टेटमेंट तो एक्जैक्टली करेक्ट है, और प्रोटोकॉर्डेट में नोटोकोड थ्रू आउट द लाइफ मिल सकती है, मिल सकती है, यूरोकॉर्डेट में मिलती है, तो आप आंसर ऑल ऑफ दीज दे सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, आप आंसर यहाँ पर ऑल ऑफ दीज दे सकते हो। ठीक है, आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 121 इनकरेक्ट बताना है कॉर्डेट्स के बारे में। अच्छा, पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स है, डिप्लोब्लास्टिक नहीं होते कॉर्डेट, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, पोस्ट एनल टेल और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम सही है, आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। आगे देखो ये डायग्राम एसीडिया का है, एसीडिया आपने यूरोकॉर्डेटा ट्यूनिकेटा में पढ़ी है, ये एसीडिया का है। ठीक है, ये सिफेलोकॉर्डेटा है नहीं, ये यूरोकॉर्डेटा है, पहला ही ऑप्शन गलत है। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का होता है, ये बात तो सही है। इसमें डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है, लार्वा है, ये स्टेटमेंट गलत है। ये फ्रेश वाटर है नहीं, यूरोकॉर्डेटा सिफेलोकॉर्डेटा दोनों मरीन होते हैं, कोई फ्रेश वाटर नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा बी, आंसर क्या हो जाएगा बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 123 एम्फीबियंस की स्किन कैसी होती है, स्मूथ भी हो सकती है, रफ भी हो सकती है, जी नहीं, स्मूथ होती है, मॉइस्ट होते हैं, मॉइस्ट स्केल्स होते हैं, नहीं रेप्टाइल्स में होते हैं, एम्फीबियंस में नहीं होते। इनके पास बेटा ये सी होगा, क्यूटेनियस ग्लैंड है, जैसे पॉइजनस ग्लैंड हो गया है ना मॉइस्चर देने के लिए, इनके पास क्यूटेनियस ग्लैंड होता है, यही आंसर होगा, म्यूकस ग्लैंड होते हैं इनके पास, तो सी क्यूटेनियस, स्किन पर प्रेजेंट होने वाले ग्लैंड जो इनकी स्किन को मॉइस्ट बनाते हैं, मॉइस्ट, आंसर क्या होगा सी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 124 एम्फीबियंस, एम्फीबियंस में मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन एब्सेंट होता है, मेटामॉर्फोसिस एब्सेंट होती है,
टैडपोल स्टेज यूनिवर्सली प्रेजेंट होता है या क्रेनियल नर्व्स एब्सेंट होती हैं? ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि आपको पता है एम्फीबियंस में 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स हैं, है ना, ये गलत हो जाएगा. अच्छा, इनके पास मेटामॉर्फोसिस एब्सेंट है, गलत बात है, टैडपोल से एडल्ट बनाते हो ना, एब्सेंट कब है. क्या टैडपोल इनमें यूनिवर्सली प्रेजेंट है, ये भी गलत बात है बेटा. एक्सोलोटल लार्वा मिलता है सेलामेंडर में, तो हमेशा टैडपोल तो नहीं होती, बहुत अलग अलग लार्वाज आपको देखने को मिलती हैं. इनमें मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता, ये बात सही है, ये याद रखना, एम्फीबियंस में मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन नहीं होता. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 125. लार्वा स्टेट अगर रह जाए एडल्ट में कन्वर्ट ना, वो एज इट इज फीचर्स शो करे, इसे आप नियोटेनी कहते हैं. जी हाँ, लार्जेस्ट एम्फीबियन क्रिप्टोब्रांसिस है बेटा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है. क्रिप्टोब्रांसिडी करके फैमिली आती है सेलामेंडर, जिसके अंदर आता है लार्जेस्ट एम्फीबियंस, उन्हीं को बिलोंग करते हैं. आपने एनसीईआरटी में नहीं भी पढ़ रखा तो कुछ नया आपको सीखने को मिल रहा है, बस सुन लेना, उतना चल जाएगा काम. ये सी मोसिया लिखा है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियन एंड रेप्टाइल. एम्फीबियन और रेप्टाइल के बीच में कनेक्टिंग लिंक होती है, लेकिन उसे सी मोसिया नहीं सी मोरिया कहते हैं, वो एवोल्यूशन में आपने कनेक्टिंग लिंक्स पढ़ी थी, ठीक है, तो मुझे लग रहा है ये स्पेलिंग मिस्टेक है वैसे. एम्बिस्टोमा का लार्वा एक्सोलोटल होता है, जी हाँ, एक्सोलोटल एम्फीबियन है जो बिना मेटामॉर्फोसिस के फॉर्म होता है. नहीं बेटा, मेटामॉर्फोसिस होकर ही बनेगा. पहली बात, एक्सोलोटल एम्फीबियन का लार्वा है ना, बनता तो एम्बिस्टोमा है, ठीक है, तो एनीवे वो स्टेटमेंट गलत है. ये भी करेक्ट है. अब आप देखो, फिफ्थ आपके पास गलत, सॉरी फोर्थ, हाँ फिफ्थ, फिफ्थ आपके पास गलत है, वो किसी ऑप्शन में ही नहीं दे रखा. फोर्थ आपको पता है सही है, फर्स्ट आपको पता है सही है, सेकंड और थर्ड भी आप सही मानेंगे बेटा, सेकंड और थर्ड भी आप सही मानेंगे, क्योंकि लार्जेस्ट एम्फीबियन भी आपको पता यही होता है, इसका मतलब इन्होंने स्पेलिंग मिस्टेक की है, वो सीमोरिया है, करेक्ट हो जाएगा. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 126. चलो देखो, कैमिलियन आपके पास क्या आ रही है, ट्री लिजर्ड, गिरगिट जिसे बोलते हैं, टेस्ट्यूटो टोटोवाइज होता है, कैलोट्स आपके पास गार्डन लिजर्ड्स है, और चिलोन आपके पास टर्टल है ना. तो आंसर क्या हो जाएगा, 2, 1, 3, 4, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बेटा, सी. आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 127, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है रेप्टाइल के बारे में. इनके पास सेक्सेस सेपरेट है, किडनी मेटानेफ्रिक है, लिम्स इनके पास हमेशा होते हैं और पेयर्ड में होते हैं क्योंकि टेट्रापोडा है, क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मोड है, ठीक है बेटा, ये ऑलवेज वर्ड के अकॉर्डिंगली ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है स्नेक्स के पास तो लिम्स नहीं है, है ना, तो लिम्स हमेशा प्रेजेंट है ऐसा नहीं होगा, ठीक है. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 128, बर्ड्स ओइकिलोथर्मिक होते हैं, नहीं ये होमियोथर्म होते हैं, ये होमियोथर्म होते हैं. इनका ये रेस्पिरेशन ओनली बाय एयर सैक्स करते हैं, नहीं बेटा लंग्स है, सिर्फ एयर सैक्स नहीं, लंग्स है. फिर बाइपेड्स होते हैं, बाइपेड्स होते हैं, एंडोस्केलेटन पार्शली ओसिफाइड है ना, पार्शली ओसिफाइड नहीं, एंडोस्केलेटन ओसिफाइड ही है, ठीक है, तो पार्शली नहीं, तो आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा, सी. आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, सी, ठीक है. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 129, इनकरेक्ट आपको बताना है. क्रो साइंटिफिक नेम कॉर्वस होता है, पीजन का कोलंबा होता है, पैरेट का सेटेक्यूला होता है, पेंगुइन का पैवो नहीं होता, पैवो पीकॉक का होता है, पेंगुइन का नाम बेटा एप्टिनोडाइट्स होता है, साइंटिफिक नेम एप्टिनोडाइट्स होता है, जबकि पैवो किसको रिप्रेजेंट करता है, पीकॉक को, तो आंसर क्या होगा, डी. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 130, आपको फिर से इनकरेक्ट बताना है, यहाँ पर आपको फिर से क्या बताना है, इनकरेक्ट बताना है. तो क्या आएगा यहाँ पे बेटा, एप्स के पास पुअर ऑल्फैक्टरी सिस्टम है, जी हाँ, एव्स पार्शली होम्योथर्म है, नहीं एव्स कंप्लीटली होम्योथर्म होते हैं, एव की बोन होलो है, एयर कैविटीज है, न्यूमैटिक बोन्स होती हैं, जी हाँ, सेक्सेस सेपरेट यानी यूनिसेक्शुअल है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ओवीपेरस है, डायरेक्ट डेवलपमेंट है, बाकी सब चीजें करेक्ट है, इनकरेक्ट यही है, पार्शल नहीं है, कंप्लीट है, ठीक है. 131, सिरिंग्स, बर्ड्स में वॉइस बॉक्स को सिरिंग्स कहते हैं बेटा, ये सेरिंग्स कहाँ पर है, जहाँ ट्रैकिया खत्म होता है और ब्रोंकिया, ब्रोंकाई में डिवीजन होता है, उस जंक्शन पे, ट्रैकिया के बेस पे. अब देखो ऑप्शन में अगर लिखा होता बेस ऑफ ट्रैकिया करेक्ट होता, एंड ऑफ ट्रैकिया करेक्ट होता, ट्रैकिया जहाँ खत्म हो रहा है, ब्रोंकाई जहाँ स्टार्ट हो रहा है, वहाँ सेरिंग्स होता है. अगेन ये थोड़ा डिटेल डिस्कशन है जो सिर्फ आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है ना, बट आपने रीड कर लिया तो आप इसके बारे में जान सकते हो. आंसर क्या होगा, सी, ये क्या है, बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट एक वॉइस बॉक्स होता है. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 132, मैमल के लिए यूनिक कैरेक्टर बताना है आपको. मैमल के पास 2 पेयर ऑफ लिम्स होते हैं, वो तो हर टेट्रापोड के पास होते हैं. यंग वंस रिप्रोड्यूस करना यानी वीवी पेरिस, तो वीवी पेरिटी तो कॉन्ट्रिक्थीज में भी देखने को मिल जाती है. मेमरी ग्लैंड्स का प्रेजेंट होना सिर्फ मैमल्स में होता है, ये मैमल्स के लिए एक यूनिक कैरेक्टर है बेटा. स्किन तो और भी ऑर्गेनिजम्स में आपको मिल जाएगी. आगे देखो 133, मैमल्स की स्किन में ऐसा क्या यूनिक है, ग्लैंड्स वो तो एम्फीबियन में भी है. अच्छा, एपिडर्मल लेयर वो भी आपको टेट्रापोड्स में और ऑर्गेनिजम्स में मिल जाएगी. हेयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक फीचर मैमल्स का है. आंसर सी होगा, आंसर सी होगा. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 134, हार्ट 4 चैम्बर्ड हमेशा होना, हमेशा
मैमल्स में भी बर्ड्स में भी हमेशा फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है. अच्छा आपको फिर से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. मैमल्स में, बर्ड्स में, रेप्टाइल्स में और एम्फीबियंस में 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स. नहीं बेटा बाकी सब ठीक है पर एम्फीबियन में 10 पेयर होती है. एक्वेटिक मेमेलियन मेल्स में टेस्टिस लाई आउटसाइड द बॉडी कैविटी इन स्क्रोटल सैक. स्क्रोटम मिलेगा जिसमें टेस्टिस होती है पर एक्वेटिक एम्फीबियंस में नहीं. एक्वेटिक एम्फीबियंस में स्क्रोटम नहीं होता बेटा, दिस इज रॉन्ग. मैमल्स की नेक में 5 सर्वाइकल वर्टिब्री नहीं, 7. आर्कियोपिटेरिक्स एक फॉसिल एनिमल है. जी हाँ ये फॉसिल एनिमल है, रेप्टाइल्स और एव्स के बीच का कनेक्टिंग लिंक है. आगे देखें क्वेश्चन नंबर 136. ओड वन आउट आपको बताना है. प्रोटोथीरिया, मार्सुपीलिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया. अब ये वही अगेन बेटा, फाइलम कोर्डेटा के अंदर ये डिविजन्स है, प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया, यूथीरिया. पहले इसको डिटेल में बताया जाता था, ठीक है. अब अगेन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी इतना डिटेल हमको नहीं जाना पर हम देख लेते हैं क्योंकि हम क्वेश्चंस देख रहे हैं हर तरीके के, तो ये थोड़ा सा पैटर्न इसका हम समझ लेते हैं बच्चे. तो जो आपने प्रोटोथीरिया में पढ़ा है उसमें ऑर्निथोरिंकस आता है, ये प्रिमिटिव हो जाएंगे आपके पास, ठीक है. मार्सुपियल में आपके पास मैक्रोपस कैंगरू आ जाएगा. यूथीरिया में हम होमोसेपियंस, हम यूथीरिया में आते हैं, ये बात भी ठीक है. मेटाथीरिया मार्सुपियल से रिलेटेड थोड़ा सा ज्यादा है, मैकेसी फैमिलीज में नहीं आती तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है. अगेन इतना डिटेल आप नहीं भी करोगे तो चल जाएगा. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 137. अभी देखो जितना प्रोटोथीरिया, मेटाथीरिया और यूथीरिया के बारे में बेसिक आपको डिफरेंस जानना था ना, वो इस क्वेश्चन से आपका रिवाइज हो जाने वाला है, वो इस क्वेश्चन से आपका रिवाइज हो जाएगा, ठीक है. देखो क्या डिफरेंस होता है तीनों के बीच में, तीनों मैमल्स में आते हैं याद रखना. प्रोटोथीरिया में निपल्स मेमोरी ग्लैंड पे एब्सेंट है, ठीक है. उसके बाद आपके मेटाथीरिया और यूथीरिया में बेटा प्रेजेंट होते हैं, मेटाथीरिया और यूथीरिया में प्रेजेंट होते हैं याद रखना. मैं यहाँ पर लिख देती हूँ प्रेजेंट है, ठीक है. अच्छा फिर मेटाथीरिया और यूथीरिया वीवी पेरस होते हैं, प्रोटोथीरिया ओवी पेरस होते हैं. यानी प्रोटोथीरिया में कौन आएगा, आपका ऑर्निथोरिंकस आएगा और आपका इकाइडना आएगा क्योंकि ये ओवी पेरस है, बाकी दोनों वीवी पेरस है. इनमें निपल्स एब्सेंट है, इन दोनों में प्रेजेंट है. वजाइना एंड यूट्रस बेटा एब्सेंट है प्रोटोथीरिया में. मेटाथीरिया और यूथीरिया में होता है, मेटाथीरिया में डबल होता है, यहां सिंगल होता है और यहां एब्सेंट होता है. ईयर पिन्ना नहीं है, देखो ईयर पिन्ना नहीं है प्रोटोथीरिया के पास, पर मेटाथीरिया और यूथीरिया के पास प्रेजेंट होता है. प्रोटोथीरिया के पास स्क्रोटम नहीं है, यहाँ स्क्रोटम प्रेजेंट है, यहाँ स्क्रोटम प्रेजेंट है. यहाँ भी एक्सेप्शन आएगा एक्वेटिक मैमल्स, जो आपने अभी देखा एक्वेटिक मैमल्स में स्क्रोटम नहीं होगा, यूथीरिया को बिलोंग करने वाले एक्वेटिक मैमल्स में. आपने कंप्लीट कर लिया. आप देखो ए आपके पास ओवी पेरस आ रहा है तो वीवी पेरस वाले ऑप्शन को आप कट कर दो. बी आपके पास आएगा निपल्स प्रेजेंट है ना, तो एबसेंट वाले ऑप्शन को कट कर दो. वजाइना एंड यूट्रस एबसेंट, एबसेंट होगा और बिल्कुल इसमें भी एबसेंट है, इसमें भी एबसेंट है. और जो पिन्ना है वो एक्वेटिक फॉर्म्स के अंदर एबसेंट होगा, तो आंसर ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा. बहुत बढ़िया. आगे देखो जरा क्वेश्चन नंबर 138. टेट्रापोड्स आ रहे हैं फिर से. टेट्रापोड्स के पास पेयर्ड अपेंडेजेस और पेंटाडेक्टाइल लिंब लैक करता नहीं होता है. पेयर्ड अपेंडेजेस पेयर्ड हैं और पेंटाडेक्टाइल लिंब हैं. इनके पास यूनिवर्सली गिल्स है हर टेट्रापोड के पास, ऐसा नहीं है. इनके पास सेंस ऑर्गन है जो एयर में फंक्शनल है, ठीक है बेटा. टेरेस्ट्रियल जैसे आप जा रहे थे पाइसेस से टेट्रापोड में आए तो वो सेंस ऑर्गन जो एयर में इनको सेंस करने में मदद करेंगे वो प्रेजेंट थे, सही बात है. दे ड्वेल ओनली इन टेरेस्ट्रियल जोन, ये गलत हो जाएगा. पहली बात एम्फीबियंस एक्वेटिक भी है, दूसरा एरियल भी है ना, एरियल भी है, ठीक है. तो यहाँ पर आप करेक्ट आंसर क्या मार्क करेंगे बेटा, यहाँ पर आपके पास करेक्ट आंसर सी ही हो जाएगा. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 139. एबीसीडी एम्फीबियन रेप्टाइल बर्ड्स मैमल्स. एम्फीबियंस के पास स्केल्स नहीं है, रेप्टाइल्स के पास आपको पता है स्केल्स होते हैं. बर्ड्स में सिर्फ हाइंड लिम्स में होते हैं, मैमल्स के पास नहीं होते. क्लोएका एम्फीबियन के पास होता है, रेप्टाइल्स के पास होता है, बर्ड्स और मैमल्स के पास क्लोएका नहीं होता याद रखना. एरिथ्रोसाइट यानी आरबीसी, ओवल बाइकॉन्वेक्स लेकिन न्यूक्लिएटेड, ओवल बाइकॉन्वेक्स न्यूक्लिएटेड, ओवल बाइकॉन्वेक्स न्यूक्लिएटेड. हमारी आरबीसी कैसी, सर्कुलर, बाइकॉन्केव और नॉन न्यूक्लिएटेड, ठीक है. हार्ट देखो थ्री चेंबर्ड हार्ट, इसमें क्रोकोडाइल एक्सेप्शन है. इधर फोर चेंबर्ड आ जाएगा और मैमल्स में भी फोर चेंबर्ड होता है. अच्छा देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, फोर चेंबर्ड विद लेफ्ट सिस्टमिक आर्क. हमारी लेफ्ट सिस्टमिक आर्च है याद रखना, बर्ड्स में राइट होती है. हमारा जो सिस्टमिक एओटा, सिस्टमिक आर्च, वो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट सिस्टम, लेफ्ट हार्ट सिस्टमिक हार्ट होता है, इधर राइट है, ठीक है. एक्सटर्नल ईयर इनके पास नहीं है, इनके पास लिखा हुआ है मे बी प्रेजेंट. इधर भी एक्सटर्नल ईयर बेटा आपके पास बर्ड्स के अंदर हम एब्सेंट ही पढ़ते हैं, एक्सटर्नल ईयर हम एब्सेंट ही पढ़ते हैं. अब यहाँ पर आप देखो ए होना चाहिए स्केल्स प्रेजेंट, तो एब्सेंट वाले ऑप्शन में कट कर दूँ. अच्छा फिर क्लोएका होना चाहिए एब्सेंट,
तो क्लोएका इसमें भी एबसेंट है, इसमें भी एबसेंट है. फिर होना चाहिए फोर चेम्बर्ड हार्ट, तो थ्री चेम्बर्ड हार्ट नहीं, फोर चेम्बर्ड हार्ट होना चाहिए और राइट सिस्टमिक आर्च होनी चाहिए, ठीक है. और एक्सटर्नल ईयर बेटा इन्होंने प्रेजेंट लिखा हुआ है, वैसे मार्क है बट हम कहते हैं एक्सटर्नल ईयर बिना स्पेसिफिकली मैमल्स में होता है, बट यहाँ पर मोस्ट करेक्ट हमको ये लेना है तो हम इसको ले लेते हैं, ठीक है. आगे देखो 140 असर्शन रीजन आ रहा है आपके पास. All vertebrates are chordates, क्या सारे vertebrates chordates हैं? जी हाँ, पर क्या सारे chordates vertebrates होते हैं? नहीं. Vertebrates के पास notochord embryonic period के time होती है, बाद में वो vertebral column में convert हो जाती है. ये दो, ये statement बिल्कुल correct है, ये statement बिल्कुल correct है और ये इसका correct explanation भी है कि हर vertebrate के पास notochord है इसीलिए vertebrate chordata होते हैं. बात सही, आंसर ये हो गया. आगे देखो क्वेश्चन नंबर 141, फिर से मेटाथीरियंस की बात आ रही है. मेटाथीरियंस को बोला गया है कि ये प्लेसेंटल मैमल्स हैं. मेटाथीरियंस को क्या कह रहे हैं कि ये प्लेसेंटल मैमल्स है. ऑल प्लेसेंटल मैमल्स हैव मेंस्ट्रुअल साइकिल. देखो ये बात ठीक है, प्रोटोथीरिया में प्लेसेंटा नहीं है पर मेटा और यूथीरिया में प्लेसेंटा होता है, सही स्टेटमेंट है. रीजन दे रखा है हर प्लेसेंटल मैमल के पास मेंस्ट्रुअल साइकिल है. बेटा प्राइमेट सारे के सारे प्लेसेंटल हैं, उनमें भी सिर्फ आपके सॉरी यूथीरिया सारे के सारे प्लेसेंटल हैं, उनमें भी सिर्फ प्राइमेट्स के पास मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, बाकी सबके पास ईस्ट्रस होती है. तो हम ये बात कैसे कह सकते हैं कि सारे प्लेसेंटल के पास मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ये स्टेटमेंट गलत हो गया. तो एसर्शन सही है, रीजन गलत है, आंसर सी हो जाएगा. वैसे अगेन मैं आपको बता रही हूँ मेटाथीरिया प्रोटोथीरिया और यूथीरिया पर क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है. आगे देख लो एक बार क्वेश्चन नंबर 142, डक बिल प्लेटिपस ऑर्निथोरिंकस, ये ट्रू मैमल नहीं है, ये तो गलत बात होगी. है ट्रू मैमल है, क्यों नहीं है? ट्रू मैमल सारे वीवी पेरोस होते हैं जबकि प्लेटिपस एग लेंगे. अच्छा, उस सेंस में इसको बोला हुआ है. तो अब यहां पर आप आंसर क्या करोगे बेटा? ट्रू मैमल्स आर ऑल वीवी पेरोस व्हाइल प्लेटिपस आर एग लेइंग. अब बात सही है पर क्या इसकी वजह से उसको आप ट्रू मैमल नहीं कहोगे? ट्रू मैमल मतलब वो वीवी पेरोस ही होना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है. तो इसको हम कहेंगे आंसर. अब देखो इन्होंने assertion is false लेकिन reason is true लिखा हुआ. अच्छा, true mammals vivi parous होते हैं, platypus egg laying होता है, इसलिए उसको true mammal नहीं कहेंगे. बट अब ये प्रोटोथीरियन में आ रहा है, true mammal वाली चीज इसके अंदर होनी तो नहीं चाहिए. assertion false है, आंसर यहाँ पर एक बार हम दी ही कर देंगे, ठीक है. आगे देखे क्वेश्चन नंबर 143, बैट्स और वेल्स मैमल्स हैं, बिल्कुल है. इन दोनों के अंदर फोर चेम्बर्ड हार्ट होता है, बिल्कुल होता है, एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, पर क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं है. आगे देखो मैमल्स के टीथ हेट्रोडोंट होते हैं, होते हैं, हमारे टीथ हेट्रोडोंट है. मैमल्स के पास मोर देन अ सिंगल टूथ होता है, सही बात है, बहुत सारे टीथ है. बट क्या ये इसका रीजन है बेटा? हेट्रोडोंट होने का रीजन है मोर टाइप्स ऑफ टीथ. यहाँ पर टाइप्स वर्ड यूज होना चाहिए था कि इंसीजर्स भी है, कैनाइंस भी है, मतलब टाइप्स है, तभी आप हेट्रोडोंट बोलते हो. नंबर भी ज्यादा है, सही बात है, बट ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, आंसर बी हो जाएगा. आगे देखो रेप्टाइल्स पॉइकिलोथर्म होते हैं, जी हाँ. रेप्टाइल्स के पास जो एग है उनके बाहर शेल होती है जो उनको लैंड एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने में मदद करती है, बिल्कुल. आपके टेरिस्ट्रियल एनिमल्स टेट्रापोड जिनको लैंड एनवायरनमेंट में अपने एग को सर्वाइव करवाने, उनके पास शेल होगा. रेप्टाइल्स के पास भी होगा, एब्स के पास भी होगा, ठीक है. तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये स्टेटमेंट भी सही है, बट इसका कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा. आगे देखो 146, बर्ड्स के पास मॉइस्ट स्किन होती है, यही गलत, उनके पास ड्राई स्किन होती है. बर्ड्स के पास ऑयल ग्लैंड थ्रू आउट देयर बॉडी होता है, गलत बात, उनके पास सिर्फ टेल के पास ऑयल ग्लैंड होता है, पूरी बॉडी पर नहीं होता. दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है बेटा, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है, थ्रू आउट देयर बॉडी नहीं, रीजन भी फॉल्स है, दोनों स्टेटमेंट फॉल्स है ना, थ्रू आउट देयर बॉडी ऑयल ग्लैंड नहीं होता. तो ये आपने कंप्लीट कर लिया एनिमल किंगडम, काफी दिमाग लगने वाला, इधर उधर से कलेक्ट करके पूरा चैप्टर के क्वेश्चंस आपके पास थे, कोई फर्स्ट एंड से कोई लास्ट एंड से, पर फाइनली हमने ये चैप्टर कर लिया. तो आपने कमेंट सेक्शन में लिख लेना एनिमल किंगडम डन. दिमाग की अच्छी खासी एक्सरसाइज हुई होगी, पर अगर आपने साथ में इसको कंप्लीट किया होगा ना बेटा, तो डेफिनेटली चैप्टर वंस एंड फॉर ऑल आपका खत्म हो जाएगा. ये लास्ट रिविजन आप अपनी मान सकते हो. हमने हर तरीके का कॉन्सेप्ट यहाँ पर देख लिया, जो जरूरी था वो भी मैंने आपको बता दिया, जो छोड़ सकते थे वो भी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है. तो ऐसे ही नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे और सारी 11th भी हम कंप्लीट कर लेंगे. मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू.